समाज के सभी पधारे हुए हमारे अतिथि, स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आज एक बहुत ही उत्साह भरा दिन है जब एक ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए जिस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई टीचिंग्स हो चुकी हैं, कई शोज हो चुके हैं। इसी श्रृंखला के अंदर एक ऐसा अद्भुत नाम जो कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है वर्ल्ड ओवर, वो हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में है। संजय जी इज अ वेरी वेरी बिग नेम इन दिस वर्क और कितनी सुंदर राह है हम सभी पेरेंट्स के लिए। पेरेंट तो मैं समझता हूँ प्राथमिक तौर पे हर व्यक्ति एक पेरेंट है, किसी भी एज में, भले ही एक 22 साल का हो या 82 साल का, पेरेंट तो वो है और उसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ उसके साथ चलती है। वो अपने डिसीजंस लेता है परंतु उन डिसीजंस के पीछे कई बार ऐसी चूक हो जाती हैं कि हम उसके कारण से हमेशा सफ़र करते हैं। एंड हियर इज़ वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू रियली टेल यू अबाउट दैट। सो संजय जी मालपानी साहब को मैं आग्रह करूँगा दिनेश जी से कि संजय जी मालपानी साहब को ऊपर स्टेज पे लेके पधारें, और साथ में आग्रह करूँगा अध्यक्ष श्री प्रदीप जी बाहेती, महासचिव शिक्षा श्री नटवर जी अजमेरा, महामंत्री गोपाल जी मालपानी और हमारे सलाहकार श्री गोविंद जी मानना से कि वो भी स्टेज पे पधारें। एक जोरदार तालियां हो जाए आपके स्टेज पे आने के ऊपर। आप अभी जो देख रहे हैं और आज अब से लगभग एक से डेढ़ घंटे बाद, जब इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद, आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके यहाँ से आप जा रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आप यहाँ से जा रहे हैं जो शायद आने वाले कई सालों के लिए आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। सो ये स्वागत है संजय जी, न केवल इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों की ओर से, मंच पे हमारे जो प्रतिष्ठित सभी लोग हैं उनकी ओर से, बल्कि ये स्वागत है पूरे जयपुर की ओर से। जयपुर का सौभाग्य कि ऐसा वक्ता आज जयपुर में आया है। सत संस्कार समिति इस तरह के प्रोग्राम्स पिछले कुछ समय से रेगुलरली कर रही है, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आने की कोशिश प्रयास रहता है, परंतु ये प्रोग्राम अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम है और आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, आपको बहुत आनंद आएगा और आपके हर उस प्रश्न का आंसर जो पेरेंटिंग करते वक्त आपके जहन में होता है उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। मैं समाज अध्यक्ष प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि वो आके स्टेज पे दो शब्द प्लीज।
यहाँ से जाओ तो गोविंद जी मानना को बुला लेना उनके इंट्रोडक्शन के लिए आपको। इस तक्षशिला सभागृह में विराजमान समाज के संरक्षकगण, पूर्व अध्यक्षगण, ECMS के सभी सदस्य, MMCs के सभी सदस्य, कार्यकारिणी, महिला परिषद और नवयुवक मंडल। अब आप सोचेंगे कि इतनी ब्रांचेस तो बोल दी, इतनी भीड़ तो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट हम यही मंथन कर रहे थे आज कि प्रत्येक माह अपन ये कार्यक्रम रख रहे हैं तो शायद हम इसको टाइमिंग्स में थोड़ा सा हमको फेरबदल करना पड़ेगा कि आगे से हम इसको 6 बजे का टाइम रख लें तो आने में सबको सुविधा होगी, ताकि जो यहाँ पर वक्ता हैं उनको भी बोलने का आनंद आएगा। एक खाली कुर्सियाँ देख के उनको भी थोड़ा सा एक साइकोलॉजी हो जाती है कि यहाँ मैं पूरी अपनी चीज़ को डिलीवर करूँ या कैसे करूँ। तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि इस समय भाई साहब संजय जी पर के मन में हो रहा होगा कि जयपुर होते हुए भी। तो दिनेश बाबू आपसे निवेदन है कि इस पर मंथन करें अगली बार से। साथियों, आज का विषय माँ और पिताजी, पेरेंट्स। आज हर स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाना प्रारंभ हो चुका है। आज भी अपने चौड़ा रास्ता विद्यालय में था, मैं गया था उस कार्यक्रम में, एक भी दादा दादी ने अपने खुद के बेटे के स्कूल कभी नहीं गए वो, और पोते के स्कूल में, पोती के स्कूल में आए थे वो आज, और ऐसे ऐसे गाने गा रहे थे अंताक्षरी में। तो आप सोचिए कि एक दादा दादी के जीवन में पोते पोती का या दोएते दोएती का कितना भारी महत्व है। इसी प्रकार पेरेंटल, मतलब कि आज पेरेंट्स के जीवन में अपने बच्चों का लालन पालन का कितना विशेष महत्व है, ये आज हमको भाई साहब संजय जी बताएंगे। एक जनरल प्रैक्टिस है घर में, बच्चे कुछ भी अच्छा काम करते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है कि एक बच्चे को पालने में माँ का 70% योगदान होता है, पिताजी तो 30% में भी आते हैं, नहीं तो 30% भी दादा दादी के में अकाउंट में चले जाता है, पिताजी का कोई उसमें योगदान लालन पालन में नहीं है। लेकिन जब कोई गलत काम कर देता है वो बेटा बेटी, तो माँ उलमा देती है अपने बाप पे गया ये। एक जनरल मेरे साथ भी है और आपके साथ भी होगा, मैंने मेरी हकीकत बता दी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हर, हाँ हाँ, आप सामने बैठी हैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, ये एक जनरल फिनोमिना है कि हाँ अच्छा कुछ हुआ तो माँ के ऊपर गया है। लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में भी और हमारे विद्वानों ने भी एक बात ये निश्चित बोली है कि किसी भी बच्चे के लालन पालन में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आज भारत में संस्कृति और सद्संस्कार बचे हुए हैं, क्योंकि वो माँ ही है जो इतनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देती है और दे सकती है और देती रहेगी। तो इन माताओं के लिए तालियां बजा दें आप। तो निश्चित रूप से भारत में वैसे भी माताओं का ही, भारत माँ, मीराबाई, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, सारी की सारी, और फिर वैसे माँ वैष्णवी देवी, जिनका कल से दिन प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रा, तो जिन्होंने पूरे इस सृष्टि का संचार और संभाल किया है। तो यहाँ पर तो नारी प्रधान देश है भारत। मैं आपके और संजय जी के बीच में ज़्यादा रहना इसलिए नहीं चाहता, बट मैं सोच रहा हूँ कि इनकी कुछ शब्दों से कुछ रह नहीं जाए, जिससे लोग बाग कुछ और आ जाए तो फिर हम इनको स्टार्ट करा दें। मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में चल रहा हूँ, तो क्या बताऊँ। लेकिन अब जो आए हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं तो एक बार निवेदन करूँगा, हमारे कोटा से पधारे सत्संस्कार समिति के एक सक्रिय भाई साहब गोविंद जी भाई साहब, कि आप पधारें और संजय जी भाई साहब के बारे में ज़रा पूरे इस हॉल को लाभान्वित करें इनके बारे में बता के। गोविंद जी भाई साहब प्लीज़। धन्यवाद। लेकिन जो आज समय पे आ गए हैं
उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। मेरे पास कुछ प्राइज का आज मौका नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप में से आज प्राइज ज़रूर दूंगा मैं सबको। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग समय पर आए हैं, उसके लिए बहुत साधुवाद। और प्रत्येक माह जो सत संस्कार समिति ये कार्यक्रम कर रही है, अपने आसपास में रहने वाले माहेश्वरियों को, नॉन माहेश्वरी फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आकर इसका लाभ उठाएं। हजारों रुपया खर्च करोगे तो भी सुनने का मौका नहीं मिलेगा, ये एक निश्चित बात है। ये गंगा जयपुर में सत संस्कार समिति आपको फ्री में हर महीना दे रही है। आप धन्यवाद करें सत संस्कार समिति का, जो वर्षों से हमारा समाज सोच रहा था और इस वर्ष प्रारंभ हुई है और पाँच महीने में पाँच स्पीकर्स लेके आ चुकी हैं। अगले 12 महीने के स्पीकर्स भी फिक्स हैं हमारे। आप लोग ज़रूर पधारें और आसपास वालों को बोलें कि यू आर मिसिंग समथिंग, प्लीज़ अटेंड दिस। गोविंद भैया, सभी से मेरा सादर जय श्री कृष्ण। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के तत्वावधान में सत संस्कार समिति का गठन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार कार्यक्रम है, क्योंकि देश के एक विशालतम माहेश्वरी समाज के रूप में जयपुर को हम मानते हैं, जहां काफ़ी अच्छी संख्या में विद्यालय और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हैं। गौरव करता है पूरा माहेश्वरी समाज जयपुर के इस शैक्षणिक परिदृश्य का। और उसमें जब ये निर्णय हुआ कि सत संस्कार समिति बनी और उसके आयोजन प्रारंभ हुए, विगत 4-5 महीनों से निरंतर विभिन्न विषयों पर सबको सुनने को समझने को मिल रहा है, उसी श्रृंखला में आज हमारे गीता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपानी भैया अपने उद्बोधन के लिए हम मध्य उपस्थित हैं, विराजमान हैं। मुझे उनके परिचय के लिए कहा गया है, अगर मैं जितना उनका परिचय दूंगा उतना ही हमको उनसे जो लाभ मिलने वाला है, क्योंकि लिखे हुए दो और दो चार शब्द, दो माता के लिए, दो पिता के लिए। चार शब्दों में माता पिता और बालक संबंधों के बारे में वो कितनी क्षमता से, एक अनूठी अद्वितीय क्षमता से हम सबके मध्य उन विषयों को रखेंगे, जो आज गहन चिंतन का विषय हो चला है। फिर भी संजय भैया क्या हैं ये मैं कुछ आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इनसे लगभग 2 दशाब्दी से भी अधिक का परिचय हमारा भी हुआ, जब आपके ही तत्वावधान में गीता परिवार का विस्तार हुआ और कोटा में भी गीता परिवार की गतिविधियाँ प्रारंभ हुई वर्ष 1996 से। और आज हमारे मध्य आप सब जयपुर के माहेश्वरी समाज के सदस्य, संरक्षक, सभी विभिन्न समितियों के पदाधिकारी, अभिभावक, शिक्षक और भी अन्य सभी आमंत्रित बंधु यहाँ उपस्थित हैं। और ऐसे समय पर मैं गौरवशाली हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संजय भैया का एक परिचय आपको दूँ, जो वास्तव में बहुत कम होगा, फिर भी उनका सही परिचय उनके उद्बोधन के माध्यम से हमको मिलेगा। आपने सुना होगा मालपानी उद्योग समूह महाराष्ट्र के संगमनेर में संचालित है और उसमें लगभग 165 गृह उपयोगी वस्तुएं निर्मित होती हैं, उनका वितरण होता है। शिरडी और लोनावाला महाराष्ट्र में ही, वहाँ पे आपके परिवार के माध्यम से वाटर पार्क संचालित है, एम्यूज़मेंट पार्क है, थीम पार्क हैं और भी कई ऐसी गतिविधियाँ जो सब तरह के विकास के लिए आवश्यक हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। सोलर और विंड एनर्जी के 611 मेगावाट क्षमता के 8 राज्यों में आपके प्लांट्स हैं इस मालपानी उद्योग समूह के। पूना, संगमनेर, नासिक और कई स्थानों पर रियल इस्टेट के प्रकल्प चल रहे हैं। एक आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है हेल्थ, ऐसा मालपानी हेल्थ क्लब और रिसोर्ट भी आपके माध्यम से बना और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में ये सब गतिविधियाँ संचालित हैं। मालपानी उद्योग समूह के कई ऐसे सेवाभावी उपक्रम भी आपके माध्यम से चल रहे हैं जिनका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इसमें मालपानी मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहां मात्र 10 रुपये में चेकअप की सुविधा देने वाला 50 बेड का एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल संचालित है। मात्र 10 रुपये में चेकअप होता है। सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाहों का प्रतिवर्ष 1 रुपये में आयोजन आप करवाते हैं, आपका परिवार 1 रुपये मात्र शुल्क पे।
अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में ये पूरा समूह अग्रणी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गीता परिवार के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 18 राज्यों में गीता परिवार की शाखाएं संचालित हैं। यह परिवार बच्चों में मूल्य शिक्षा, वैल्यू बेस्ड जैसे कहते हैं एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसके प्रति समर्पित है। इस गीता परिवार के माध्यम से संजय भैया के देख रेख में 66 पुस्तकों का अभी तक प्रकाशन हुआ है, 66 विविध बाल संस्कार के क्षेत्र में विविध कार्यक्रम पूरे देश में संचालित हो रहे हैं, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि संजय भैया ने अभी अपना स्वर्ण, जैसे कहते हैं स्वर्ण जयंती कहते हैं जन्म की, 50 वर्ष की आयु अभी अपनी हासिल की, लेकिन साथ के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि कि गीता के समस्त 18 अध्यायों को कंठस्थीकरण आपने किया। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा लक्ष्य आपने विगत, भैया कितने, 1-2 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं होते, लिया एक एक करके अध्यायों का। हमको तो एक श्लोक भी याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पूरा गीता का, भगवद गीता का आपने कंठस्थीकरण किया और हमने उसको श्रवण भी किया इस मोबाइल के माध्यम से दूर बैठे बैठे, इतना स्पष्ट, इतना प्रभावी गीता का पाठ आपके माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में संगम निर्मित महाविद्यालय संचालित है, उसके आप कार्याध्यक्ष हैं। 8,000 ग्रामीण छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पे, 8,000 ग्रामीण छात्र, और एक भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए इस बात का विशेष ध्यान देने वाली ये संस्था है, ग्रामीण छात्र विशेष तौर से। और इसको A+ दर्जे का मानांकन किया हुआ है इस उपक्रम को। संस्कृत सहित 7 विषयों के संशोधन केंद्र वहाँ पर संचालित हैं, और ये महाविद्यालय पूना विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है, पूना विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। चूँकि ये शिक्षा का केंद्र है, इसलिए मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं इस समूह की, आपको निश्चित रूप से श्री माधवलाल मालपाणी योग केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है, और आपके पिताश्री के नाम पर श्री ओंकारनाथ जी मालपाणी, आप सब परिचित हैं महर्षि समाज के, हमारी अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष भी रहे, उनके नाम पर एक विधि महाविद्यालय का भी संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त मालपाणी फाउंडेशन के आप कार्याध्यक्ष हैं। पुणे और संगमनेर में ध्रुव ग्लोबल स्कूल का एक बहुत ही अभिनव प्रकल्प विद्यालय के रूप में जो है वो संचालित हो रहा है, एक आइडियल विद्यालय जिसको हम कह सकते हैं। बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांत पर आधारित हर छात्र को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये विद्यालय काम कर रहे हैं, और इन विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं हैं और भारतीय संस्कारों का सुंदर मिलाप है। एक ऐसा संगम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टैंडर्ड वहाँ पे है, लेकिन भारतीय संस्कृति और संस्कार वहाँ पर प्रभावी रूप से कार्यरत हैं। संजय भैया लेखक भी हैं, वक्ता के रूप में तो हम सबके मध्य में हैं ही, जैसा मैंने पहले बताया 66 पुस्तकों का लेखन और संपादन आपने किया, और आपके माध्यम से देश विदेश में हजारों व्याख्यानों का अभी तक आयोजन हुआ, अनेक अखबारों में आपके स्तंभ लेखन आते हैं। महाराष्ट्र विधान भवन में संयुक्त सभागृह को आपने शिक्षा का अधिकार विषय पर भी उद्बोधन दिया, महाराष्ट्र विधानसभा के सभागृह में। आप एक ऐसे शिक्षाविद हैं जिनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कमेटियों पर कार्य करने के लिए जोड़ा जाता है, और शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अनेक पुरस्कार, अनेक अलंकरण आपको हुए हैं। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसी विभूति, एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे राजस्थान को, हमारे जयपुर समाज को, और जयपुर समाज के माध्यम से सत्संस्कार समिति के ये जो आयोजन है इसमें हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमारे प्रिय संजय भैया का। और मैं निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि संजय भैया के आज के इस 2 शब्द, माता पिता के उद्बोधन और इसके उपरांत हमारा ये जयपुर शहर और ये राजस्थान, जो वास्तव में महर्षियों का जननी कह सकते हैं राजस्थान, तो यहाँ से संस्कार के क्षेत्र में बहुत ही बड़े आयाम स्थापित होंगे, अच्छे कार्य होंगे। यहाँ पर भी हम पूरी आशा करते हैं कि संजय भैया के इस गीता परिवार की भी स्थापना को यहाँ पे हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, और संस्कार के निरंतर करने वाले, चलने वाले कार्यक्रम
संस्कार वर्ग होते हैं, संस्कार शिविर होते हैं, वो सब चीज़ें आपको अभी संजय भैया के उद्बोधन के माध्यम से जानकारी मिलेगी। मैं एक बार पुनः संजय भैया का आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए आप सभी जयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी आपने इस आयोजन से जोड़ा और ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दो मिनट के लिए खेद है, हम उनके लिए सेंटर में व्यवस्था कर रहे हैं। प्लीज बियर विद अस। हेलो। सो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त और अब आपके सामने हैं डॉक्टर संजय मालपानी। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, स्टेज इज ऑल योर्स। जयपुर की जनता आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि सत्संस्कार समिति के माध्यम से श्री माहेश्वरी समाज यहाँ पर कार्यरत है और आज का यह पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रदीप जी बाहेती, जो इस माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ चिंता जताई कि बहुत कम लोग हैं। देखिए, मैं भीड़ में भरोसा नहीं करता हूँ। भरोसा तो ऐसे लोगों में होता है कि जो समय पे पहुंचते हैं, और ऐसे ही लोग कुछ आगे कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रदीप जी से, दिनेश जी मालपानी, जो कि सुबह से और निरंतर पिछले 2-3 महीने से संपर्क में थे और यहां मैं जल्दी पहुंचा सुबह तब से लेके अब तक, भाई दिनेश जी, नटवरलाल जी अजमेरा, गोपाल लाल जी मालपानी, दिनेश जी भी मालपानी है, गोपाल लाल जी भी मालपानी, सब मालपानी, मैं भी मालपानी हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा पार्शलिटी मेरे लिए कर दिया होगा कि भाई इनको बुलाओ। जय कृष्ण जी जाजू है, गीता परिवार कोटा, राष्ट्रीय गीता परिवार के संरक्षक गोविंद जी माहेश्वरी, निर्मला जी मारू, कोटा से आए हुए सभी कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक। दो शब्द माँ के लिए, दो शब्द पिता के लिए। ये पेरेंटिंग पर एक वर्कशॉप लेने की बात हुई, क्योंकि विद्यालयों में हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जीवशास्त्र पढ़ाते हैं लेकिन जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाते। हम लोग चित्रकला पढ़ा देते हैं लेकिन चरित्रकला पढ़ाने से हम लोग चूक जाते हैं। हम लोग गणित पढ़ा देते हैं लेकिन जीवन के गणित कैसे छुड़ाए जाते हैं इसके बारे में बच्चों से कभी वार्तालाप नहीं करते। हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं लेकिन जीवन की केमिस्ट्री कैसी बनती है इसके विषय में चर्चा नहीं होती। एक बंदर था और ये बंदर घूमता हुआ हमारे संगमनेर में आया। आज मैं भाई प्रदीप जी के घर पे भोजन करने गया था तब मैंने वहाँ भी कुछ बंदर देखे, मुझे लगता है कि यहीं से वहाँ पहुँचा होगा। और पहुँचा तो पहुँचा, ऐसा नहीं पहुँचा, वो अलग अलग
उसने जो कहानी बताई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अलग अलग स्कूलों को विजिट करता करता पहुँचा और उसने देखा कि एक विद्यालय में केजी के जो प्रवेश होते हैं, एडमिशन प्रोसेस होती है, तो उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ पहुँची थी और बड़ी तैयारी के साथ में आई थी। बहुत दिनों से उस बच्चे की तैयारी करवाई थी क्योंकि बढ़िया स्कूल था, उस स्कूल में इसका दाखिला हो जाए, एडमिशन हो जाए, इसके लिए बड़ी परिश्रम के साथ में उसको महीने दो महीने से उसकी ट्रेनिंग चल रही थी छोटे से बच्चे की। रोज उसको लाल शर्ट पहनाती थी और रोज पूछती थी, क्योंकि उसको पहले जिन लोगों ने एडमिशन लिया था उस स्कूल में, उस स्कूल के अन्य अभिभावकों से पता चला था कि ये प्रश्न पूछती है मैडम एडमिशन के समय पे, तो उसको थोड़ा सा आईएमपी मिला हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं मालूम थे, तो उसको ये भी पता था कि शर्ट के रंग पूछती है, तो इसने उसको महीना भर लाल रंग का ही शर्ट पहनाया और रोज पूछती थी, बताओ बच्चा तुम्हारे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर शर्ट, और फिर बच्चा जोर में जवाब देता था इट्स रेड कलर, और माँ ताली बजाती थी। सारे प्रश्नों का इस प्रकार से तैयारी करवाने के पश्चात बच्चे को ले गई वहाँ और मैडम ने बिल्कुल वही सवाल पूछा जो एक्सपेक्टेड था। माँ को बाहर खड़ा कर दिया था, बच्चा अकेला अंदर था और बड़े फ्रेंडली माहौल में वो टीचर पूछ रही थी कि बच्चा बताओ तुमने जो शर्ट पहन रखा है उसका रंग कौन सा है। बच्चा चुप हो गया, बच्चे ने एक नहीं दो नहीं जवाब ही नहीं दिया, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, जब बच्चा जवाब नहीं दे रहा था तो अंदर माँ को बुलाया गया और माँ से कहा गया कि आपका बच्चा तो बेसिक भी नहीं जानता, हम कैसे एडमिशन दे दे। बोले क्या हुआ, क्या नहीं जानता ये? बोले इसको हमने इसके शर्ट का कलर पूछा, ये तो कलर भी नहीं बता पाया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल जानता है कलर, एक महीने से मैं यही तो शर्ट पहना रही हूँ उसको। बोला बेटा बताओ बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो बच्चे ने कहा मैं नहीं कहूँगा। अरे ऐसे क्या करते हो, बताओ तुम्हें पता है, रटा हुआ था। बच्चे ने कहा मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं कहना है, उसका मूड नहीं था उस समय। अब जब उसको लेके माँ बाहर आई तो माँ ने पूछा क्यों नहीं बताया, ये तो बताओ। उसने कहा जिस टीचर को ये भी पता नहीं कि ये रंग कौन सा है और मुझे पूछती है, उसके स्कूल में मुझे नहीं आना है। लेकिन ऐसे ऐसे स्कूल देखते देखते वो पहुंचा था और उसने सोचा कि मैं भी जंगल में एक स्कूल खोल दूं। उसने सारे जानवरों की मीटिंग बुलाई, स्कूल खोलने का अपना इरादा प्रकट किया और उसने कहा कि मैं भी इंटरव्यू लूंगा। सारे जानवर अपने अपने बच्चों को लेके पहुंचे, एक हिरनी वहां पहुंची तो हिरनी के बच्चे से पूछा गया तुम क्या करना जानते हो। उसने कहा मैं बहुत अच्छा दौड़ लेती हूँ। बोले दौड़ने से क्या होता है, तुम्हें पेड़ पे चढ़ना आता है। फिर एक लोमड़ी वहां आई, वो भी अपने बच्चे को लेके आई। बोले ये क्या करना जानता है। बोले ये तो बहुत अच्छा नाटक कर लेता है, जब रोना होता है तब हंस देता है, जब हंसना होता है तब रो देता है, पता ही नहीं चलता ये क्या करना चाहता है, लेकिन नाटक बड़ा अच्छा करता है, ये अभिनेता जरूर बनेगा। बोले अभिनेता तुम बहुत छोटे सपने लेके आई हो, अपने बच्चे को यदि ये क्वालिटी है उसके अंदर तो इसको अभिनेता नहीं नेता बनाना चाहिए। ये रोता है ना, रोना चाहिए तब हंसता है, हंसना चाहिए तब रोता है, इतने अच्छे अच्छे नाटक कर लेता है तो इसको तो अभिनेता नहीं हम नेता बनाएंगे। फिर और एक जानवर वहां पहुंचा, जिराफ। उसने कहा क्या करता है बच्चा, बहुत अच्छे से दौड़ता है, इसको पीटी उषा बनाएंगे। ऐसे ऐसे सारे इंटरव्यू चल रहे थे तो एक खरगोश भी वहां पहुंचा और खरगोश के बच्चे को पूछा गया बेटा तुम क्या जानते हो। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं भी थोड़ा बहुत दौड़ लेती हूँ। तो इसने कहा कि तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, मैं तुम्हें विश्व सुंदरी बनाऊंगा, मैं तुझे उस कंपटीशन में भेजूंगा, उसके लिए स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, तो क्या तुम स्विमिंग जानते हो। उसने कहा नहीं, स्विमिंग से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो बारिश की बूंद भी बदन पर गिर जाए तो डर जाती हूँ। कोई चिंता नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैंने देखा है कैसे सिखाया जाता है बच्चों को स्विमिंग, जब स्विमिंग पूल पे ले जाते हैं और स्विमिंग पूल में पटकते हैं तो अपने आप हाथ पांव मारना सीख ही जाता है, मैं भी सिखाऊंगा, चलो कल से नदी में जाएंगे और सीखेंगे स्विमिंग कैसे की जाती है। और उस छोटे से खरगोश के बच्चे को अगले दिन स्विमिंग के लिए नदी पर ले जाया गया, जंगल में नदी थी और उसके दोनों कान पकड़कर उसको उठाया गया, उसको पहले सब बताया गया कि पानी में जाओगे तो मुंह ऊपर रखना, नाक कान आँख सब ऊपर रखना,
सांस लेते रहना, हाथ पांव मारते रहना वगैरह वगैरह, सब चीज़ें थ्योरी सारी समझाई गई और प्रैक्टिकल के लिए उसको नदी में छोड़ा गया। अब जब नदी में छोड़ा गया तो बेचारा छोटा सा बच्चा डर गया और डूबने लगा, मरने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ आवाज़ देने लगा, बहुत घबराया। तब उसको बाहर खींच के निकाला, फिर उसको कहाँ कमाल कर दिया तुमने, मैंने तुमसे कहा था कि मुंह ऊपर रखना, तुमने मुंह अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं कल और करेंगे। और ऐसे ही 15 दिन तक चलता रहा। वो जो छोटा सा खरगोश का बच्चा था वो धीरे धीरे भागना भी भूल गया था, तैरना तो सीख ही नहीं पाया, लेकिन उसमें जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी भागने की, वो भी दौड़ने की प्रवृत्ति वो भूल गया और ना तो स्विमिंग सीख पाया ना दौड़ना सीख पाया। पंचतंत्र में आने वाली ये कहानी है, लेकिन बड़ी अंतर्मुख करने वाली है, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं और जो हम नहीं बन पाए वो हमारे बच्चे बने, इस प्रकार की अपेक्षा लेकर हम बच्चों को सर्वांगीण प्रगति के लिए बाध्य कर देते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, मैं भी स्कूल चलाता हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते ही बच्चों को ट्यूशन लगवाई जाती है और बच्चा ट्यूशन करने जाता है, शाम को खेलने जाना चाहिए बच्चों को, वो ट्यूशन करने जाने लगते हैं। 1-2 घंटा बच्चों का यदि शाम के समय ट्यूशन में चला जाए तो खेलेगा कब बच्चा। अभी अभी एक बच्चा जब 10th पास हो गया था तो उसके पिताजी का मुझे फ़ोन आया और उसके पिताजी ने मुझे पूछा कि क्या आपके स्कूल में IIT की तैयारी करवाते हैं, JEE की तैयारी करवाते हैं। मैंने कहा जी हाँ हम करवाते तो है। बोले क्या मेरा बच्चा चला जाएगा, उसको 94% आया है 10th में। मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये उसके मेहनत पर निर्भर करेगा, आप उसको ले आइए, उससे बातचीत करेंगे, फिर तय करेंगे उसको क्या करवाना है। उन्होंने कहा मैं अकेला आया तो नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं उसको भी लाना पड़ेगा। कब आऊँ, फिर तारीख निश्चित हो गई और वो आए। मुझे बाहर से फ़ोन आया केबिन में कि ये लोग आए हैं, तो मैंने कहा भेजिए उनको अंदर। तो अंदर अकेले ही वो आए तो मैं देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला मैंने आपसे कहा था कि आपको बच्चे को लेके आना है, आप अकेले कैसे आ गए। उसने कहा बच्चा तो मैं ही हूँ, पिताजी बाहर गए हैं टॉयलेट में आ रहे हैं। मैं घबराया, 120 किलो का देह मैं सामने देख रहा था, 10वीं कक्षा पास कर 11th में आया हुआ बच्चा 120 किलो का, मैं तो उसको बाप समझ लिया। उसने कहा कि मैं तो बच्चा हूँ, और फिर पीछे से पिताजी भी अंदर आए, वो 150 के थे, दोनों ही मेरे सामने बैठे। उसने कहा आपकी बात हो गई, IIT चला जाएगा। मैंने कहा IIT जाएगा या नहीं जाएगा ये आज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका 20-22 किलो वजन में 2 साल में पूरा कम करवा दूंगा। उसका उससे क्या होगा। मैंने कहा उससे क्या होगा, यदि नहीं किया तो हो सकता है कि 35वें साल में इस बच्चे को पहला अटैक आ जाए। क्या आप चाहते कि आपका बच्चा IIT हो जाए और 35वें साल में इसको पहला अटैक आ जाए। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करूंगा, मैं इसका मोटापा घटाऊंगा और 20 किलो मिनिमम टारगेट मैं आपको देता हूं कि 20 किलो इसका वजन घटा के रहूंगा, पूरा खाना पीना खिलाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब ये बात मैंने कही, मैंने कहा कभी इसका ब्लड रिपोर्ट चेक किया आपने, इसके HDL लेवल आपने चेक किए। उसने कहा जी नहीं हमने तो कभी चेक ही नहीं किया, ये तो दिन भर पढ़ते रहता है। मैंने कहा पढ़ना आवश्यक है लेकिन उसके साथ साथ 1-2 घंटा खेलना भी तो आवश्यक है। और इस बच्चे को हमने हमारे हेल्थ प्रोग्राम में डाला, 2 साल में इस बच्चे का 22 किलो वजन कम हुआ। मैं बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि बच्चा एकदम मस्त लगने लग गया था, कॉन्फिडेंटली चलने लग गया था, पहला जो छूटा हुआ था एकदम बंध गया था और बड़े स्टाइल उसमें आ गई थी, पढ़ाई भी अच्छा कर रहा था। उसके माता पिता एग्जाम होने के बाद लेने आए तो मैंने उसको बुलाया जानबूझ के, मैंने सोचा कि कम से कम माता पिता देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। और जैसे ही बच्चा अंदर आया, माँ ने कहा ये क्या कर दिया, इतना दुबला हो गया मेरा बच्चा। मैंने कहा दुबला हो गया, अभी भी 100 किलो का है, 98 किलो का था वो उस समय पे। हम कहाँ ले जा रहे बच्चों को, 35-40वें साल में बच्चों को हार्ट अटैक आ जाए, बड़े बुजुर्गों के सामने बच्चों की सेहत खराब हो जाए, बच्चों को हम पढ़ने तक नहीं दे, खेलने तक नहीं दे रहे, उनको बचपन से ट्यूशन लगाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि 7वीं-8वीं से जो आजकल फाउंडेशन का कोर्स चालू हो जाता है IIT के लिए या मेडिकल के लिए, क्या हमने जाना है कि बच्चे को करना क्या है। यदि वो अच्छा म्यूजिक कर रहा है तो क्यों ना हम उसको लता मंगेशकर बनाएं, यदि वो अच्छा क्रिकेटर है तो क्यों ना उसको हम सचिन तेंदुलकर बनाएं। हम सब के सब ये चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, हम सब के सब ये चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। लेकिन बचपन से ही बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए, ये एक माता पिता की जो संकल्पना है,
उसमें बच्चों को वो हर चीज के क्लास में भेजते, छुट्टियों में तो इतने क्लासेस लग जाते बच्चों के, हर गली गली में, हर घर घर में क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों को मामा के घर तक नहीं भेजा जाता, रिश्ते निभाना नहीं सिखाया जाता है, और बच्चों को भेजा जाता है कि तू मेहंदी सीख ले, तू रंगोली सीख ले, तू सॉफ्ट टॉयज बनाना सीख ले, तू किचन में कुकिंग जाके सीख ले, और तू और भी कई प्रकार के कोर्सेस चलते हैं, बच्चा हो तो उसको कंप्यूटर के कोर्स में डाल दिया जाता है कि कंप्यूटर सीख ले, और ये सारा सीखते सीखते बच्चा अपनी मौसी कौन है, उसके बच्चे कौन है, अपनी बुआ कौन है, उसके बच्चे कौन है, वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों से भी दूर होते जा रहे हैं। हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी विशेषता यदि कुछ है तो वो ये है हमारे परिवार, हमारी स्ट्रेंथ हमारे परिवार है। मैं अमेरिका गया था, एक भारतीय परिवार में मैं रहा, और भारतीय परिवार में जब मैं रहा वहां पर, अनेक मेरे मित्र वहां पे थे, उनमें से एक के घर पे रहा, तो उस घर की जो बेटी थी वो मुझे 8 दिनों में दिखी ही नहीं। मैंने पूछा उनको कि वो क्या हॉस्टल पे रहती है, कहाँ रहती है वो, बोले नहीं यही रहती है लेकिन रात को लेट आती है और आप लोग सुबह जल्दी चले जाते तब वो सोती रहती है। मैंने कहा आप कब मिलते उससे, उसने कहा मैंने 2 महीने में एक आध बार हमारा मिलना हो जाता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। दूसरे एक परिवार में गया, वहाँ बच्चा आने वाला था, जब बच्चा आने वाला था तो अभी समय था, अब कन्फर्म ही हुआ था कि बच्चा आएगा 6 महीने बाद, तब वो परिवार मुझे वहाँ घुमा रहा था, दिखा रहा था, तो एक दिन मुझे बोला कि हम आज नहीं आ पाएंगे, आज हम लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है। मैंने कहा किस चीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ले हम जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं, और माता पिता बनने से पहले यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट में एक रूल है कि जिस हॉस्पिटल में आप नाम दर्ज करवाते हैं उस हॉस्पिटल के प्रोसेस में हाउ टू डू द पेरेंटिंग नाम का एक कोर्स होता है, पूरे दिन भर चलता है, बच्चा होने से पहले क्या करना चाहिए, बच्चा होते समय आपको क्या करना होगा, बच्चा जब हो जाएगा तब क्या करना होगा, इसके बारे में सारी बातें बताई जाएगी, वो कोर्स करने जाना है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है आज नहीं जाओगे, मैं तो बार बार नहीं आने वाला हूँ, और बच्चा तो पक्का आने वाला है, कन्फर्म हो चुका है कि बच्चा आएगा और मैं चला जाऊंगा, तो आज आप मेरे साथ ही रहिए। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि यदि हम उस कोर्स को नहीं जाएंगे जिसकी तारीख हमको 1.5 महीने पहले मिली हुई है, उस कोर्स में यदि हम नहीं जाएंगे तो उस मैटरनिटी होम में हमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है कि हमने पेरेंटिंग का कोर्स किया है तभी उस मैटरनिटी होम में हमें प्रवेश दिया जाएगा। मैं तो सोचता ही रह गया कि भला है हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं कि माता पिता होने से पहले पेरेंटिंग करना आवश्यक है, उसका कोर्स करना आवश्यक है। मैं सोचने लगा कि हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हुई, और फिर उत्तर मुझे मिला, हमारे यहाँ जब पहली बार बच्चा होता है तो वो जो माँ बनने वाली लड़की होती है वो अपने पियर जाती है, और उसकी जो माँ होती है जो कि अपने आप में पेरेंटिंग का एक विद्यापीठ हुआ करता है, वो माँ आने वाले बच्चे की और जच्चे की दोनों की ही पूरी केयर लेती है। उसकी 4-6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, किस प्रकार की खाट होनी चाहिए, उसके नीचे वो सेक लगाना है तो उसके लिए विशेष प्रकार का पलंग होना चाहिए, कौन से प्रकार की गद्दी होनी चाहिए, बच्चे के लिए झूला कैसा होना चाहिए, बच्चे के घुटी में क्या क्या डालना है, वो सारी औषधियाँ प्योर कहाँ से मिलेगी, वो पतंजलि की दुकान में भी नहीं जाती, वो ऐसे ऐसी जगह ढूंढ के लाती है वो सारी जड़ी बूटियाँ कि जो कि एकदम प्योर होनी चाहिए। और फिर जैसे जैसे दिन नज़दीक आते वैसे वैसे उसकी और भी वो इतने काम बढ़ जाते उसके, यदि बच्चा जाड़ों में आने वाला है, ठंड के दिनों में आने वाला है, तो वो अपने हाथों से उस छोटे बच्चे के लिए स्वेटर बुनना आरंभ करती। बच्चा यदि धुपकाले में गर्मी में आने वाला है तो कॉटन के कपड़े अपने हाथ से सिलती, और फिर जब बच्चा हो जाता तो तरह तरह की औषधियाँ डालकर लड्डू बनाती, मेवे के लड्डू होते हैं, क्या क्या होता है पता नहीं, इतनी तैयारी करती है वो। और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की देखभाल पूरी वो नानी करती है, अपने हाथों का झूला बना देती, रात रात झूलाती रहती, और माँ बनी हुई जो लड़की होती है वो बड़ी निश्चिंत होती है कि माँ है, देख लेगी सब कुछ। इसलिए तो हमारे यहाँ जब डिलीवरी के बाद लौटते हैं तो साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि इतने लड्डू खिलाती है वो माँ, इतनी औषधियाँ खिलाती है, माँ निश्चिंत होती है क्योंकि नानी होती है सब देखभाल करने वाली। हमारे यहाँ पालकत्व का, पेरेंटिंग का ऐसा चलता बोलता विद्यापीठ हमारे नसीब से हमारे हर घर में उपलब्ध है, उस दादी के रूप में, उस नानी के रूप में, इसलिए हमारे यहाँ इन कोर्सेज की आवश्यकता आज तक पड़ी नहीं।
लेकिन अब जमाना जिस स्पीड से बदल रहा है और बच्चे अलग अलग कारणों से घर से बाहर रह रहे, संयुक्त परिवार विभक्त हो गए, और ये सारी सुविधाएं, वो दादी और नानी का प्यार बच्चों से वंचित हो गया। और अब इस प्रकार के कोर्सेज की, इस प्रकार के पेरेंटिंग के कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रतीत होने लग गई कि बच्चों को जब पैदा किया है तब उनको कैसे बड़ा करना है। हम एक तरफ कहते कि बच्चे फूल से होते हैं और हमारा काम जो है वो माली का है। अब माली करता क्या है? तो माली जब वो पौधा अपने घर में लाता है, अपने बगिया में लाता है और पौधा जब लगाता है तब वो बड़ा ध्यान रखता है कि पौधे को कहाँ लगाना है। यदि ज़्यादा धूप में रख दिया तो उठा करके वो छाँव में ले जाता है, यदि अंधेरे में हो तो उजाले में ले आता है, उसको समय पर पानी देता है, खाद देता है, यदि उस पर कीट चढ़ने लग जाए कुसंगति के तो फुवारा लगा देता है, और यदि वो टेढ़ा बढ़ने लग जाए तो उसको सही से छांट भी देता है, काट भी देता है। और ये सब जब वो करता है तब एक बात का और भी ध्यान वो रखता है कि जब उस फूल पर कली खिलती है तो वो कभी ये प्रयास नहीं करता कि कली का एकदम से फूल हो जाए। उस पौधे पर जब कली आती है तो इंतजार करता है उसका फूल बनने देने का, इंतजार करता है, और कौन से मौसम में कौन से पौधे लगाने चाहिए इसका भी वो ध्यान रखता है। लेकिन माली कभी जबरदस्ती नहीं करता कि इस पौधे पर यही फूल आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करता। हमारा गड़बड़ यह है कि हमारा ध्यान अपने पौधे पर नहीं, बाजू वाले के घर में कौन सा पौधा खिला है उस पर हमारा ध्यान है। और मेरे घर में मोगरा है और बाजू वाले के घर में यदि गुलाब का फूल खिला है तो मेरा ध्यान वहां है कि उसके यहां गुलाब का फूल आया तो मेरे मोगरे के पौधे पर भी गुलाब का फूल ही आना चाहिए। और मेरा प्रयास ये शुरू हो जाता है कि मेरे मोगरे के पौधे को वो जो खाद दे रहा है वो खाद में दूं, वो उस क्लास में डाल रहा है तो मैं भी उसी क्लास में डालूं, वो उस कोर्स में भेज रहा है तो मैं भी उसी कोर्स में भेजूं, क्योंकि मेरे मोगरे पर मुझे चाहिए कि गुलाब आना चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा? मेरे यहां अमृत का जो पौधा आया है बच्चे के रूप में, वो यदि मोगरे का है तो मोगरा ही आएगा, और यदि मैं प्रयास ये करता रहूं कि उसके ऊपर गुलाब आ जाए तो गुलाब तो आना मुश्किल, लेकिन जो मोगरा बड़ा सुंदर सा, सफेद सा, बड़ा सुगंधित सा मोगरा खिलना था उस पौधे के ऊपर, वो भी नहीं खिलता, सड़ा हुआ, गला हुआ ऐसा मोगरा खिलेगा। हमारे बच्चों का ये मोगरा गुलाब ना बन जाए, गुलाब बनेगा ही नहीं। लेकिन पेरेंट्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे के अंदर कौन से गुण हैं। और मैं आपसे कह दूं कि मां सबसे बढ़िया जजमेंट लगा सकती है। बच्चा जब 7 साल तक पहुंच जाए ना तब तक उसके बारे में जान लेती है। एक हॉवर्ड गार्डनर नाम का एक संशोधक है, रिसर्चर अमेरिका का, उसने 1982 में, ये डॉक्टर है और ये अभी भी है, और वो डॉक्टर उनके ऊपर, ये साइकेट्रिस्ट है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी उनके अस्पताल की ऐसी थी कि जहां पे हेड इंजरी के पेशेंट्स थे वहां हेड इंजरी के पेशेंट्स को ये साइकेट्री ट्रीटमेंट देते रहते थे, काउंसलिंग भी करते रहते थे। और उन्होंने कई हजार इस प्रकार के मरीज जिनके एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई, ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट दिया, और उस ट्रीटमेंट के पश्चात उन्होंने एक अभ्यास किया, एक अध्ययन किया, एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि कौन सी दिशा में, कौन से भाग में यदि इंजरी होती है तो कौन सी क्षमता नष्ट हो जाती है। और उन्होंने ये ध्यान से देखा कि यदि कान के, राइट कान के पीछे वाले हिस्से में यदि इंजरी हो जाती तो कौन सी क्षमता नष्ट हो जाती है, यदि लेफ्ट साइड में होती है तो क्या हो जाता है। और उन्होंने 8 प्रकार की मूलभूत क्षमताएं उसमें ढूंढ के निकाली, जिसमें सबसे पहली थी लिंग्विस्टिक यानी भाषिक क्षमता, भाषिक बुद्धिमत्ता। दूसरी थी मैथमेटिकल एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम तार्किक या गणितीय बुद्धिमत्ता कह के पुकार सकते हैं। तीसरा था म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको सांगीतिक बुद्धिमत्ता के नाम से हम जान सकते हैं। चौथा था इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप से संवाद करने की क्षमता रखते हैं लोग, जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, जो ध्यान धारणा में बहुत आगे चले जाते हैं, ऐसे लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस लेकर आते हैं। कुछ होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले, जो परस्पर संवाद का कौशल्य जानते, लोगों के नाम उनके ध्यान में रह जाते, किसकी क्या क्षमता है इसको ध्यान में रख के उसको उस क्षमता का काम देने में बड़े माहिर होते हैं, जो एचआर
का रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं या तो वो बहुत अच्छा नेता बन सकते हैं। फिर आता है फिजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक बॉडी इंटेलिजेंस, ऐसा उसने नाम दिया उसको। जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है या जो बहुत अच्छा नृत्य नाट्य कर सकते हैं, ऐसे लोगों के अंदर वो इंटेलिजेंस होता है। फिर आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें प्रजातियां अलग अलग पौधों की, वनस्पतियों की, कीटकों की, इंसेक्ट्स, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसका अध्ययन करना या गिरि भ्रमण के लिए जाना, निसर्ग में जाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति जिन बच्चों में रहती है उनमें वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है। एक होता है स्पेशल इंटेलिजेंस, जिनको त्रिमितीय बुद्धिमत्ता नाम से पहचाना जाता है, और ये त्रिमितीय बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि उसको रास्ते ध्यान में रहते हैं, दिशाओं का ख्याल रहता है, उसको प्रोपोर्शंस ध्यान में आते हैं कि ये इस प्रोपोर्शन में ये चेहरा इतना हो तो हाथ कितना होना चाहिए, ये प्रोपोर्शन उसको मालूम होता है। उसको रंग संगति का ज्ञान होता है, वो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें वो स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। और ये जो हॉवर्ड गार्डनर है, इस हॉवर्ड गार्डनर ने ये समझा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट कर रहा था उन लोगों की, तो किसी में भी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कम हो जाए लेकिन फिजिकल इंटेलिजेंस उसका अभी भी बरकरार है, तब ये जो हॉवर्ड गार्डनर है वो उस फिजिकल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एनहांस करता था, उसको बढ़ाता था। यदि किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस बचा हुआ है और भाषिक बुद्धिमत्ता कम हो गई, तो उस म्यूजिकल इंटेलिजेंस के साथ में वो ऐसा काम करवाता था उससे कि उससे उसकी भाषा प्रगल्भ होती चली जाती। अब हमारे यहां हमने स्कूल में ये प्रयोग किए, और स्कूल में हम लोगों ने इस प्रयोग को किया कि जिस बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है ये पहले ढूंढा गया। आपको भी ये काम करना होगा, यदि बच्चा आपका खाने के टेबल पर बैठता है और बैठते के साथ ही थाली आने से पहले तबला बजाने लगता है, तो समझना चाहिए इसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और इसको म्यूजिक में आगे ले जाया जा सकता है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, कोई लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा होता है। हॉवर्ड गार्डनर ने इसको नंबर नहीं दिए कि ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये सारे इक्वल लेवल पर है, और जिस बच्चे में जो इंटेलिजेंस है उस बच्चे को उस इंटेलिजेंस में आगे ले जाएंगे तो वो बच्चा बहुत अच्छे से आगे चला जाता है। आज एक बच्चे ने मुझे कुछ फोटो भेजे युगांडा से, हमारे स्कूल में था, युगांडा चला गया, वहाँ पे उसने ऑयल इंडस्ट्री में वो काम करता है, किसी कारणवश वो ऑयल इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी और उसका लौटना भी मुश्किल हो गया, उसको वहाँ रुकना ही पड़ा। तो इस बच्चे के पास ना पैसा बचा था ना कुछ बचा था, तो उसके पास जंप रोप नाम की एक कला थी, जो दोरी की जंप करते हैं, क्या कहते हैं उसको आप, रोप स्कीपिंग, तो रोप स्कीपिंग की कला उसके, वो नेशनल प्लेयर था उसका, और ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे उसने, 96-97% उसको आए थे कॉमर्स में, और फिर वो वहाँ चला गया। तो आज उसने मुझे फोटो भेजी वहाँ से कि ये जंप रोप से उसने वहाँ के विद्यालय में एक जॉब कर लिया और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, और आज उसको वहाँ पे जो कॉमनवेल्थ का कुछ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे उसकी टीम लेकर वो चला गया। तो एक फिजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा, जिसके अंदर फिजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था और उसको शाबाशी मिलती रही, उसको मेडल्स मिलते रहे, उसका हर असेंबली में जब वो लौटता था तब उसका सत्कार होता था, और ये बच्चा अपने फिजिकल इंटेलिजेंस को रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, ये देखकर उसके अंदर का आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया, और वो ऐसा बढ़ता चला गया कि एकेडमिक्स में भी वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाया। इसका एकमात्र यदि कोई कारण है तो वो ये था कि उसका फिजिकल इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइज किया गया था। उस बच्चे को खेलने की परमिशन दी गई, ट्वेल्थ में रहने के बावजूद भी वो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करता रहा। आज जब मैं इस विद्यालय में पहुंचा तो जोनल योगासन की कॉम्पिटिशन सुबह में चल रही थी, मैं जानबूझ के कुछ देर रुका वहां पर, इतने बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आए थे, इतने लचीले थे, और योगा अपने आप में एक मिरेकल है। हम लोगों ने योगा को लेकर इतना काम किया है, जो बच्चे की मैंने कहानी आपको सुनाई, 120 किलो का मैंने 98 किलो का कर दिया केवल योग शास्त्र से, केवल 45 मिनट का योगासन करवाया। बास्केटबॉल खेलने से नहीं होता है, दौड़ने से नहीं होता है, केवल प्राणायाम करने से हो सकता है, केवल प्राणायाम करने से हो सकता है। जिनके बच्चे मोटे हो गए, ये एडोलेसेंस ओबेसिटी इज अ मेजर इश्यू, बिकॉज फास्ट फूड के चक्कर में और पढ़ाई के चक्कर में बच्चा खेल नहीं रहा है तो ओबेस बन गया। इसको 3 टाइम के खाने के साथ में नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते, रात का खाना खिलाते, बस एक काम कीजिएगा, इसकी राइट नोस्टेल खुली रखें, लेफ्ट को बंद कर दे, राइट नोस्टेल को कहते हैं सूर्य नाड़ी, इसको बंद कर दे और
राइट से 27 बार लेना है, उसी से छोड़ना है। दीर्घ सांस, ये 27 बार खाने के टेबल में, खाने की थाली आ रही है तब तक करवाना, और बच्चे का वजन कम होना शुरू हो जाता है। मिराकल है। अपने बच्चों को योगासन के लिए भेजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हम लोगों को जो मैथमेटिक्स के पीरियड में चित्र बनाते हैं। मैथमेटिक्स के पीरियड में चित्र बनाना बड़ा मजा आता है उनको। तो हमने हमारे योग टीचर को पूछा, ये क्या बात है भाई, ये ऐसा क्यों करते बताओ। उन्होंने कहा बिल्कुल सीधी सी बात है, इनका राइट ब्रेन उस समय काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन बंद पड़ा हुआ है, सो रहा है, आराम कर रहा है, और गणित तार्किक क्रियाएं सारी लेफ्ट ब्रेन में चलती है, और भाषा और कला सारी राइट ब्रेन में चलती है। मैंने कहा ये कैसे समझे राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, ऐसा कोई मशीन लगाना पड़ेगा इसके लिए? बोले मशीन की आवश्यकता नहीं, ये कौन सी नाक से ज्यादा लंबी सांस ले रहा है, ज्यादा हवा कौन सी नाक से अंदर पहुंच रही है, इसको चेक कर लो। ऐसा करने से पता चल जाएगा कि लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, और हर आधे घंटे से स्विच ओवर हो रहा है। आधा घंटा सूर्य नाड़ी, आधा घंटा चंद्र नाड़ी चलती, और जब सूर्य नाड़ी चलती, राइट नोस्ट्रिल चलती, तब मैथ्स अच्छा चलता है, जब चंद्र नाड़ी चलती तब ड्राइंग चलती है। अब उसके मैथ्स के पीरियड में उसकी चंद्र नाड़ी चल रही है, इसलिए वो ड्राइंग कर रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे को हमें चेक करना होगा, और जब इसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद हो, राइट चल रही हो, तभी इसको मैथ्स का पीरियड देना चाहिए। अब इसका तो बड़ा हिसाब, वो बोले साहब ऐसा नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति का बॉडी क्लॉक अलग अलग है, ये जरूरी नहीं कि हर एक की राइट ही अभी चल रही है, ये जरूरी नहीं, किसी की लेफ्ट चल रही, किसी की राइट चल रही। मैंने कहा फिर अब तुम और भी मुश्किल हो गया, तो दो क्लास करनी पड़ेंगी मैथ्स की, जिनकी अभी लेफ्ट चल रही वो अभी आ जाओ, जिनकी थोड़ी देर बाद चल रही वो बाद में आ जाओ। उसने कहा ये करने की आवश्यकता नहीं, हमारे योग शास्त्र में ऐसे प्रयोग है जो प्रयोग केवल करने मात्र से 8 मिनट में ये प्रयोग हो जाते हैं, और इनको करने मात्र से ये अनुलोम विलोम, ये भस्त्रिकाएं, और इसके पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व, ये जल तत्व कपालभाति करने से इनकी दोनों नासिकाएं एक क्षमता से चलती है, दोनों ब्रेन एक क्षमता से चलाने का योग शास्त्र है, 5 घंटे तक चला सकते। इसलिए तो संध्या वंदन किया करते थे, सुबह में, दोपहर में, शाम में, 3 बार करते थे, तो 5-5-5 घंटे का स्पैन रहता था, और 5-5 घंटे दोनों ब्रेन को चलाने का काम चलता था। हमने कहा ये तो गजब है, फिर तो 11th और 12th के बच्चों को ये हमने शुरू किया, और इसका परिणाम ये रहा कि 10वीं में जितने मार्क आए बच्चों को, उसकी तुलना में 12वीं के मार्क 10.33% से बढ़ गए, क्योंकि उसकी ग्रास्पिंग, उसकी मेमोरी पावर और उसकी ग्रहण क्षमता, उसकी आकलन क्षमता, ये सब कुछ बढ़ गया, तो बच्चे के मार्क ही बढ़ गए। 8 मिनट का काम है, सिर्फ 8 मिनट का। मैं चाहता हूं कि यहां की जो शिक्षा समिति है ये गीता परिवार के साथ जुड़े, और अपने विद्यालय के हर बच्चे से ये करवाए, क्लासरूम के अंदर बच्चे अपने आप करते, जब उनको इसकी महत्ता पता चलती तो अपने आप करने लग जाते, कोई टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती, और जब ये बच्चे करने लग जाते तो मार्क बढ़ना ये तो बहुत साधारण सी बात मुझे लगती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हुआ कि वो बैलेंस होने लग गए बच्चे, क्योंकि 9th 10th 11th 12th में बच्चों का इम्बैलेंस, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे बच्चों के अंदर, तो ऑब्वियस है इम्बैलेंस होना, ये बच्चे प्राणायाम करने से बैलेंस होने लग गए। और ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने गीता परिवार में बच्चों के साथ किए, जिससे बच्चों को जो चाहिए वो मिलने लग गया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे श्री माहेश्वरी समिति समाज के माध्यम से और शिक्षा समिति के माध्यम से हमारे सभी स्कूलों में ये सारे उपक्रम यदि शुरू हो जाए तो एक चमत्कार घट जाएगा। और आज जैसे गोविंद भैया के पास नीट और जेडब्ल्यू करने के लिए बच्चे पहुँचते हैं एलएन में, वैसे पूरे देश से जयपुर में बच्चे पढ़ाई करने को आने लग जाएंगे हमारे माहेश्वरी स्कूलों में, क्योंकि यहाँ के स्कूल हमारे धरातल से जुड़कर, इस संस्कृति से जुड़कर काम करने को। लेकिन हमें इतनी फुर्सत कहाँ जी, हम तो जबरदस्ती लगे हुए थे। अब बच्चा जब जाड़ों के दिन ठंड पड़ती है तो हर घर में एक चित्र दिखता है, क्या चित्र होता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो माँ पीछे पड़ जाती है उसके कि बेटा स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ले, ओवरकोट पहन ले, टोपी पहन ले, ग्लोव्स पहन ले, सॉक्स पहन ले। वो बच्चा कहता मुझे नहीं पहनना है, और लेकिन वो सुबह के 10-15 मिनट जो चलता है घर में तमाशा, वो देखने लायक होता है। और फिर बच्चा बेचारा छोटा वो पहन लेता है, बोलता है ठीक है माँ का मन रखना है तो पहन लो, और लेकिन जैसे ही बस में चढ़ता है वो सब निकलता है उसका, वो अपने स्कूल बैग में डालता है और ले जाता स्कूल में। हमारे हमने देखा कि एक टेबल बनाया हुआ है, ओपन डे जब होता है तो उस टेबल पर सारा सामान बिछा दिया जाता है कि जो बच्चे भूल गए वहाँ स्कूल में वो सारा सामान वहाँ बिखेर के रख दिया जाता है।
उसमें मैक्सिमम स्वेटर हमें मिलते हैं। बच्चे भूल के नहीं जाते, बच्चे रख के जाते वहाँ। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो एक सर्वे किया था मैंने, वो सर्वे ये था कि बच्चा सबसे ज़्यादा खुश कब रहता है, ये मैं जानना चाहता था कि सबसे ज़्यादा खुश कब है। और बहुत सारे विकल्प दिए थे, ऑप्शंस थे, जब गाना गाते हो तब खुश रहते हो, जब टीवी देखते हो तब खुश रहते हो, जब वीडियो गेम खेलते हो तब खुश रहते हो, जब म्यूजिक बजाते हो तब खुश रहते हो, जब क्रिकेट खेलते हो तब, बहुत सारे मैथ्स करते हो तब खुश रहते हो, कुछ कुछ बच्चे मैथ्स करते समय बहुत खुश रहते। तो बहुत सारे विकल्प थे, लगभग 20-22 विकल्प थे, और ये सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक मार्क करना था बच्चों को। 5000 बच्चों का सर्वे किया गया था और 5000 बच्चों में से अधिकतर बच्चों ने जो लिखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। बच्चों ने लिखा था कि हम स्कूल बस में जब होते तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इट वॉज अमेजिंग। मैंने और भी खोजा इसके बारे में कि बच्चा तभी क्यों खुश है इतना ज्यादा। पता चला कि घर में माँ और स्कूल में टीचर, ये दोनों के बीच में बच्चा बहुत खुश होता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि तब वो अपने मन की बात अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को कह सकता है, अपने पीयर्स के साथ में वो शेयर कर सकता है कि मैंने क्या किया, मेरे मन में क्या चल रहा है। बच्चों को कान देने की आवश्यकता है। बच्चों को सब कुछ दे देते लेकिन कान नहीं मिलते, सुनने वाले कान, कि बच्चा कुछ कहना चाहता है और माता पिता सुन रहे या टीचर सुन रहे, ऐसा बहुत कम होता है। थोपा जाता है कि बस तू ये कर ले। बच्चों को समझाया नहीं जाता कि तुझे स्वेटर क्यों पहनना है, इतना समय किसके पास है कि थर्मामीटर लगाए घर में और इसके नीचे चला जाए पारा तो फिर स्वेटर पहनना जरूरी है, और नीचे चला जाए तो हैंडग्लोव्स पहनने जरूरी है। बच्चों को सिखाओ, लेट हिम डिसाइड, लेट हिम टेक द डिसीजन, डिसीजन मेकर बनाओ उसको कि मुझे ये पहनना है या नहीं पहनना, यहां देख के तय करना है। तो आने वाले जाड़ों में ये करें हम सब लोग, घर में एक थर्मामीटर लगा कर रखे और बच्चों को सिखाए कि यहां पे इसके नीचे जाता है तो स्वेटर पहनना जरूरी है। बच्चा अपने आप करने लग जाएगा, जबरदस्ती का मामला बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए जो समय, जो पेशेंस हमारे अंदर रहने चाहिए, वो पेशेंस हमारे पास है नहीं। हम जबरदस्ती करते रहते बच्चे, और फिर जब बच्चे वो चीज नहीं करते तब गुस्सा भी करते रहते हम बच्चों के ऊपर। एक छोटा सा खेल खेलेंगे हम सब लोग यहां पर। आपके बाजू में जो बैठे हैं उनके साथ आपको दोस्ती करनी, जोड़ी बनानी है, आपको पार्टनर बनाना है उसको। तो बाजू वालों के साथ में पहले तो सेकंड कर लो, नाम पूछ लो, और फिर उसके बाद में खेल खेलेंगे हम सब लोग। एक वो खेल ऐसा है कि दोनों में से एक व्यक्ति अपने ही दोनों हाथ इस तरीके से कस के पकड़ेगा। दोनों में से एक को अपने दोनों हाथ कस के पकड़ने हैं, बाजू वाले के सामने करना है और बोलना है छुड़वाओ, और बाजू वाले को वो छुड़वाने हैं। अपने दोनों में से एक को करना है और अपने एक दूसरे के मत पकड़ना हाथ। दोनों में से एक को अपने हाथ पकड़ने हैं और दूसरे को वो छोड़ने हैं। जब छुट जाए तो फिर अल्टी पल्टी करके दूसरे को पकड़ने हैं, पहले को छुड़वाने हैं। इस प्रकार से खेल है, जो सबसे पहले ये करने में कामयाब हो जाए वो अपने हाथ ऊपर कर दे और कह दे कि हम जीत गए। समझ गए कि खेल को? तो मैं नीचे आऊंगा देखने के लिए कि आप कैसा कर रहे हैं, और मैं आपसे सवाल भी करूंगा और देखने आऊंगा कि कैसे कर रहे हैं। तो जोड़ी बनाओ फटाफट, फटाफट जोड़ी बनाओ। सब लोग खेलेंगे, कोई नहीं बच्चे, सब खेले हम लोग। बच्चों को जानना है तो बच्चों जैसा होना पड़ेगा, और दोनों में से एक जना हाथ पकड़े, दोनों हाथ नहीं पकड़े, एक हाथ पकड़े, दूसरा छुड़ाए, दूसरा दूसरे के सामने कर दो उसको, उसको कहो कि इसको छुड़ाओ तो वो छुड़ाएगा। हाँ जी, चेक चेक चेक। किसी का जोर ज्यादा हो रहा है, किसी का क्या हाथ खींच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप कैसे कर रहे हैं बताओ? आप दोनों ही क्यों पकड़ के बैठे हैं? आप एक पकड़े, इनको ये खुलाए हैं। दोनों तो पकड़ के रहेंगे तो पूरा प्रोग्राम इसमें चला जाए अपना। हाँ जी, हो गया आपका? कैसे किया आपने? किया ही नहीं आपने, आपने किया? आप खींच रहे हैं, अच्छा, उंगलियां गुदगुदी कर। हाँ जी, आपका कैसे हुआ?
हाँ, यहाँ कैसे हो गया बताओ, कैसे किया? ताकत किसकी थी? पहले करो, आप क्या बता रहे? ताकत, इन्होंने अंगुली मोड़ दी मेरी। मैंने लाया, आप देखिए, मैंने यूं, आप बंद करिए अपना, ये बोल रहे हैं एक बार जो खुल गया दोबारा बंद मत करो। अच्छा, एक एक करके जोर में और बीच में हाथ डालते चले गया ताकि वापस दोबारा से ना पकड़े। देखिए, बहुत अच्छा खेला आपने, आपका अभिनंदन है सबका कि आप पार्टिसिपेट किए इस गेम में। लेकिन मैं फिर एक बार मेरा सवाल दोहराता हूं, मैंने कहा था आपको पार्टनर ढूंढना है, दोस्त बनाना है, बराबर है? मैंने दुश्मन बनाना ऐसा थोड़ी कहा था, और दुश्मनी क्यों चल रही थी, खींचाता नहीं। मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि एक जना पकड़े, दूसरे के सामने हाथ करे, दूसरे को छुड़ाना है, और जब छुट जाए तो आप हाथ ऊपर करना और कहना हम जीत गए, हम जीत गए ना, तो दोनों जीतने वाले थे। जब दोनों जीतने वाले थे तो खींचाताने की जरूरत क्या थी, हमको सिर्फ कहना था तू हाथ छोड़ दे, और वो हाथ छोड़ देते और दोनों हाथ ऊपर कर देते, खत्म मामला, इतना सिंपल था। कुछ एक लोगों ने वैसे किया और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे भी लोग हैं। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किया, लेकिन लेकिन अधिकतर सास बहू ने किया था, उन्होंने कहा देखो, मैंने कहा छोड़ो, उसने छोड़ दिया। देखिए, अब सास का तो जोर चलेगा ही ना, तो छोड़ना ही पड़े बेचारी को, तो क्या करेगी लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा और उन्होंने प्यार से छोड़ा। लेकिन यहां तो गुदगुदी कर रहे थे, तो हाइट हो गई, गुदगुदी कर रहे थे, चिमटे ले रहे थे जोर जोर से, खोलो खोलो, और इतना सारा जोर लगाया जा रहा था। यही हमारे घर में पेरेंट्स और बच्चों के साथ हो रहा है, एक ने पकड़ रखा है, दूसरा खोलने की कोशिश कर रहा है और नहीं खोला जाता, और हम लोग उसी में इसी चक्कर में अटक गए। मैंने कहा था कि समझाने की जो कला है कि हम बच्चों की सुने बात को, बच्चों की बात को सुने हम लोग। एक छोटा सा बच्चा बाल भवन में आता, हमारे यहाँ गीता परिवार का बाल भवन चलता, और छोटे बच्चों को एक दिन हमने कहा, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा था, तो छोटे बच्चों को हमने कहा कि आज हम घर का चित्र बनाएंगे। तो घर का चित्र बनाने के समय हमने कह दिया कि वो वाला चित्र नहीं बनाना है जो हरदम बनाते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को यदि घर का चित्र बनाने को कहे तो एक ही प्रकार का चित्र बनाता है बच्चा, एक झोपड़ी बनाता है, उसके बाजू में एक पेड़ होता है, और ऊपर के हिस्से में कागज के ट्रायंगल्स होते हैं, वो पहाड़ होते हैं, और लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल में से बीच में से क्या आता है, सूरज आता है, उसकी किरणें हरदम ऊपर जाती, मैंने नीचे आती हुई किरणें आज तक देखी नहीं। तो मैंने बच्चों को समझाया वो वाला नहीं करना है, आपको जो करना है वो घर के अंदर का चित्र बनाना है, कि घर के अंदर क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं, कितने लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब बताना है। अब बच्चों ने चित्र बनाया, मैं आधे घंटे से जब पहुंचा वापस वहां और मैं देखने लगा तो सारे चित्र इकट्ठा हो चुके थे। तो वहां पे जो टीचर थी उनसे मैंने पूछा कि ये क्या हो गया, तो सारी कॉपी हो गई, एक जैसा चित्र बना दिया बच्चों ने। क्या आपने नजदीक नजदीक बैठाया था? नहीं नहीं, हमने तो बड़े दूर दूर बैठाया था, लेकिन हर घर का चित्र ही वो है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। चित्र क्या था, एक सोफा रखा हुआ है, सोफे पे माँ बैठी है, पिताजी बैठे, भैया बैठा है, दीदी बैठी है, चार लोगों का परिवार, और चारों मिलकर टीवी देख रहे हैं, यही चित्र हर घर का। और तो और मैंने बहुत बार का इसे देखा, जो टीवी था उस टीवी के अंदर भी कुछ बच्चों ने चित्र बनाए थे, और अधिकतर बच्चों ने महिलाएं बनाई थी उस टीवी के अंदर। मैं अचंभित रह गया, मैंने कहा देखो कॉपी, इसमें भी कॉपी हुई है कि हर बच्चे ने टीवी के अंदर भी महिला बताई। तो वो जो टीचर थी वो कहने लगी कि नहीं सर, ये बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है, हर घर में यही चल रहा है, वही सीरियल्स चल रही है जिसमें महिलाएं बड़ी पीड़ित है, आतंकित है, और उनकी स्टोरी सुनने में हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, हमारे अपने समस्याएं इतनी कम हो गई कि उनकी समस्याओं में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और बच्चे और माता पिता साथ में बैठकर ये देख रहे हैं। किसी बच्चे ने पोगो का नहीं बनाया, किसी बच्चे ने कार्टून नेटवर्क नहीं दिखाया, जब माता पिता के साथ बैठकर टीवी देख रहे तो ये वाले चित्र देख रहे। एक बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारे चित्र में कुछ भूल रहेगी, देखो जरा, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी उसके चित्र में। तो वो बच्चा आया, उसने बहुत ध्यान से अपना चित्र देखा, और ध्यान से चित्र देखने के बाद में वो बच्चा मुझे बोला कि नहीं नहीं मेरा तो बिल्कुल चित्र सही है। मैंने कहा देखो बेटा, तुमने अपने आप को कान बनाया, तुमने अपनी दीदी को कान बनाया, लेकिन तुम अपने माता पिता को कान निकालना भूल गए। उसने कहा नहीं नहीं मैंने सही निकाला है।
मैंने कहा मतलब क्या वो सुन नहीं पाते? उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा वो बहरे है सुन नहीं पाते। वो बच्चा बोला कि कान तो उनको है, वो सुन पाते हैं लेकिन सुनते नहीं है। देखिए छोटा बच्चा जो बात कह रहा है, ये घटी हुई घटना मैं आपको बता रहा हूं, छोटा बच्चा कह रहा है कि माँ बाप सुन तो सकते हैं लेकिन सुनते नहीं है। सबसे पहले यदि कोई काम माता पिता को करना होगा तो ये करना होगा कि अपने बच्चों को सुने। और आज तो विशेष रूप से दादा दादी भी, आज तो सर्वपित्री है ना, तो सब पेरेंट्स हैं। इट्स दिस रूल इज फॉर ऑल द पेरेंट्स। और फिर कल से माता का उत्सव शुरू होगा, तो माता के 9 दिन अलग है, लेकिन आज का दिन जो है ना वो बड़ा विशेष दिन है। आज तो सभी पेरेंट्स को कुछ समझने की बात है, सर्वपित्री वाला दिन है आज। और आज की अमावस ऐसी है कि वो सभी पेरेंट्स को हम याद करते आज, और फिर उसके पश्चात फिर उजाला शुरू हो जाता है। फिर कल से जो है, आज अंधेरा रहेगा रात को, लेकिन कल से उजाला शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संयोग है कि हम लोग आज का दिन ऐसे मनाएं कि आज पेरेंटिंग समझे हम लोग, और कल से हमारे घर में ऐसा उजाला फैलता चला जाए। नवरात्रि का मतलब क्या होता है कि रात्रि नहीं रहती, वो रात्रि में भी प्रकाश जब होता है, अंधेरा जब छट जाता है, उसको कहते नवरात्रि, और उसमें वो माता प्रकट हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम एक दूसरा ही है, हमारे घर में क्या होता है मालूम है क्या? हमारे भी सबके अंदर कुछ वो माताएं हैं, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। इसलिए तो हम कल से वो श्लोक कहना शुरू करेंगे सप्तशती का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। इसका मतलब क्या है कि वो भगवती हर भूत के, भूत मात्र के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इन सभी रूपों से विराजमान है। लेकिन हमारे घर का प्रॉब्लम कुछ और ही है, हमारे यहां किसी एक ही देवी का प्राकट्य ज्यादा हो जाता है, और अधिकतर सरस्वती का प्राकट्य। वो सुबह सुबह 5 बजे जगाती अपने बच्चों को और दोनों हाथों से वीणा की झंकार शुरू करती। मैं लातूर गया था, लातूर महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स 10th और 12th के लाए जाते हैं, तो वहां गया था। वहां पे एक माता ने मुझे चिट्ठी भेजी और सवाल पूछा कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल स्कूल में ध्यान नहीं देता, उसकी कंप्लेंट आती रहती है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा इतने प्रश्न से तो काम नहीं चलेगा, आपको इसको थोड़ा इलाबरेट करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए कि आप क्या करती है उसके साथ सुबह से। बोले मैं तो उसको 5 बजे उठाती हूँ। मतलब 5 बजे उठाती है क्यों? बोले 10th की तैयारी करवा रही हो। बोला अच्छा, तो क्या करता है 5 बजे उठ के? मैंने कहा मैंने तो टेबल्स जो होते हैं ना मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखे हैं, और मैं सुबह वो जब जगता है नींदों से तब वो टेबल्स चला देती हूँ और कविताएं भी चला देती हूँ। मैंने कहा टेबल्स 10th में? मैं समझा नहीं कुछ, अब बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं और टेबल्स? नहीं नहीं, बोले अभी तो 3rd स्टैंडर्ड में, अभी से 10th की तैयारी करवा रही हूँ। वो सरस्वती का प्राकट्य सुबह सुबह 5 बजे घर में हो रहा था, वो कविताएं और टेबल सुनाती थी। मैंने कहा फिर आगे क्या करता है? बोले फिर तो वो ब्रश वश करता है, टॉयलेट वॉयलेट। हाँ, लेकिन मैंने वहां भी चार्ट लगा के रखे हैं। टॉयलेट में चार्ट्स क्यों? बोले फिर खाली बैठे बैठे क्या है, कुछ तो दिखना चाहिए ना सामने। विद्या रूपेण संस्थिता, वो ऐसी पीछे पड़ी अपने बच्चे के। वो स्कूल से आते ही उसको होमवर्क करवाती, स्कूल से आते ही होमवर्क क्यों? मैंने कहा खाना? नहीं, बोले खाना में खिलाती, वो होमवर्क कर लेता है तब तक नीचे। बोले इतनी भी क्या जल्दी है, उसके बाद क्लास है ना उसको। ये क्लास के चक्कर में कितने क्लास, कितने ओलंपियाड्स अलग अलग तरीके के, और हर ओलंपियाड में जाना क्या आवश्यक है? अगले साल के 4th के स्कॉलरशिप की भी तैयारी करवा रही थी। इतना सब करने से क्या वो बच्चा वाकई में आगे बढ़ रहा है? ये सरस्वती का प्राकट्य हो गया। किसी किसी घर में शांति का प्राकट्य रहता है। शांति का मतलब कुछ भी हो जाए, वो माल ट्रक के पीछे लगवाएं ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता है, कुछ भी हो जाए ऐसे ही चलेगा। किसी किसी घर में अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती, वो सुबह 5 बजे से लेकर चालू हो जाती। बच्चा ये खा वो खा वो खा, तरला दलाल की किताब उसके किचन में ही रहती, और बच्चे को खिलाया जा रही है, खिलाया जा रही है, और बच्चा मोटा हो जा रहा है। और फिर श्री माहेश्वरी मंडल हमारा है, माहेश्वरी वो सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता चलाता है, सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता, और ये मोटे मोटे बच्चे आ रहे हैं उसके अंदर। अरे मोटापा खतरनाक है, मैंने बताया आपको, लेकिन ये इस प्रकार का
यदि अन्नपूर्णा का प्राकट्य घर में हो जाए तो क्या कर सकते हैं। और कुछ कुछ घर में दुर्गे दुर्गट भारी तो जबी न संसारी, वो दुर्गा का रूप होता है, आते जाते फटका उसके षोड़श हाथों से, षोड़श सत्रों से बच। और इसमें दुर्गा दास ज्यादा होते हैं, मतलब माता से ज्यादा पिता, वो इतने डरते बच्चे अपने पापा से कि वो पापा घर में आए उसको, वो इस दरवाजे से आया तो बच्चा पिछली गली से निकले बाहर, वो पापा के सामने ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आते ही वो पांच ही क्वेश्चंस पूछते हैं। पांच क्वेश्चंस के आगे छठा क्वेश्चन है नहीं उनके पास। पांच क्वेश्चंस क्या है? हाँ, कैसा रहा आज का स्कूल? ऐसे आते आते ही पूछते जैसे कोई इनको सब मालूम है क्या हो रहा है। कैसे रहा स्कूल? बहुत अच्छा रहा सर। होमवर्क वगैरह कुछ मिला है? हाँ मिला। कर लिया? हाँ कर लिया। लाओ दिखाने? नहीं नहीं ठीक है, कर लिया ना, माँ को दिखा दे, मम्मी को दिखा दे। एग्जाम कब है तेरी? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम कब है? वो बोलता है अभी ऐसे। अच्छा अच्छा चलो पढ़ाई कर। फिर एग्जाम होने के बाद में, अच्छा कितने मार्क आए? एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4, कितने मार्क आए? और क्वेश्चन नंबर 5, उसको कितने आए? उसको कितने आए बाजू वाले को? या मेरा तो कहना है कि आज से ना, यदि आप दिवर जिठानियां साथ में आई हैं यहां पर, तो एक दूसरे को जरा हाथ मिलाओ। और यदि नहीं आई हैं तो एक हाथ दो दिन में मेरा यूट्यूब पे वो मैं लेक्चर डाल देता हूं, ये उनको सुनाओ, किसको सुनाओ। और दोनों एक दूसरे से मिलो और मीटिंग करो कि आज से ये कंपैरिजन बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। कंपैरिजन में बच्चों को सत्यानाश किया हम लोगों ने। कोई मोगरा है, कोई गुलाब है, दोनों को खिलने का फुलने का जो है अधिकार है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग उनकी कंपैरिजन में लगे रहे। और एक तरफ जब हम कहते हैं कि बच्चे तो गीली माटी के जैसे हैं, और हमारा काम है कुम्हार का, और हम कुम्हार का रोल जब करते हैं तब, वैसे ये उपमा मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। कि वो जो कुम्हार होता है ना, वो कुम्हार जब उस चक्के को घुमाता है और उसके ऊपर वो जो घड़े को आकार देना आरंभ करता है, तब उसका एक हाथ बाहर से थपथपाता है उसको, वो आकार देता है, और उसी समय दूसरा हाथ जो होता है वो अंदर से आधार देता है। या आकार और आधार देना, ये दोनों जब साथ साथ चलता है तब वो पात्र बनता है, वो पात्र बड़ा सुंदर पात्र बनता है। और उसी प्रकार से घर में भी जब आधार और आकार देने की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, तब बच्चा भी सुपात्र बनता है। बच्चे को यदि सुपात्र बनाना है तो घर में एक यदि आकार दे रहा है तो दूसरे ने आधार देना चाहिए। और खास करके दादियां ये काम करती है, वो आधार देने का काम करती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दादी में और बच्चों में गैप कम है। लोग कहते हैं जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। मैं कहता हूं जनरेशन गैप है ही नहीं, जनरेशन गैप नाम की कोई चीज नहीं है, वहां कम्युनिकेशन गैप है। दादी और पोता पोती का ज्यादा जमता है, क्योंकि दादी सुनती है सब कुछ। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, सब सुन के लेती है। ऐसी दादी जिसके घर में है जो सुन कर ले रही है, वो बच्चे बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि आधार देने की एक प्रोसेस घर में अवेलेबल है। लेकिन यदि वो नहीं है तो फिर अच्छा दादिया देखो कितनी खुश हो रही है, ऐसी हंस रही, ताली वाली बजा रही कि आप कैसा सही बोला, मैं जो करती वो सही करती हूं, और वो हरदम मुझे कहती रहती है कि तुमने बिगाड़ रखा है ना। ऐसा नहीं है, ये हमारी टीम है, खुश होने की जरूरत नहीं है। सास बहू की टीम है बच्चे को जिताने के लिए, जीतना बच्चे को है। तू जीते या मैं जीते इससे कोई महत्व नहीं, हम दोनों का प्रयास ऐसा हो कि बच्चा जीते या आने वाली जनरेशन जीते। तो हम दोनों को प्रयास साथ साथ करना चाहिए, और दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि मैंने डांट दिया तो तूने संभाल लेना है, तूने डांट दिया तो मैंने संभालना है, ये बात समझनी चाहिए। और ऐसा जिस घर में सपोर्ट सिस्टम बच्चों को मिल जाती है ना, वहां के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खिलते हैं। और यदि वो दादी नहीं है सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, तो माता पिता को। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोनों रोल एक को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है दूसरे का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो दोनों रोल एक को करने पड़ेंगे।
और वो दोनों रोल एक व्यक्ति भी कर सकती है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु, ये सारे रूप जो है वो एक ही व्यक्ति में विराजमान होते हैं। और नवरात्रि की तो यही कहानी है, नवरात्रि हमको यही सिखाती है कि ये सारी नौ देवियां हमारे अंदर विराजमान हैं, और जिसकी जब आवश्यकता है उसको वैसे प्रकट करना, उसको बाहर निकालना, ये बहुत सुंदर काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को प्रताड़ना, बच्चों को हाथ से मारा हुआ तो बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों के बाण बच्चे कभी नहीं भूलते। और शब्दों के बाण से भी ज्यादा यदि मानसिक प्रताड़ना कभी बच्चों की हो जाती गलती से, तो फिर तो गड़बड़ है। अक्सर माहेश्वरी समाज में ये नहीं घटता है, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सेप्टेंस लेवल हाई है। एक्सेप्टेंस लेवल का मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा जैसा भी हो, थोड़ा कम भी हो ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा करने लग जाएगा। उसको अच्छा करने के लिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि ठीक है ये ऐसा है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो अच्छा है ना, ये साइड अच्छी है उसकी, तो देन वो खिलने लग जाता है बच्चा। और मैं आपको एक चित्र दिखाने लाया हूं, वो जरा देखिएगा आप। ये एक लाल रंग का है और एक पीले रंग का है। ये पीले के बाजू में मैं जब लाल को रखता हूं तो आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? कौन सा बड़ा है? पीला बड़ा दिखता है, लाल छोटा दिखता है। अब मैं देखिए मैजिक करता हूं, ये लाल उधर डाल दिया और ये पीला यहां लाया। पहले पीला बड़ा दिख रहा था, अब पीला छोटा लगने लग गया है, कि नहीं गजब? फिर एक बार देखिएगा, पीला पहले छोटा था, वापस बड़ा हो गया। मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही है दोनों, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन काटते समय उसको कैसे काटा है, उसकी एक साइड को छोटा रखा है और एक साइड को बड़ा रखा है। और जब हम बड़े वाले साइड से इसके छोटे वाले साइड की तुलना करते हैं ना, तब उधर वाला अक्सर बड़ा दिखता है और अपनी तरफ वाला छोटा दिखता है। ध्यान न ला, मैं कुछ भी कर दूं, उधर वाला बड़ा दिखेगा और अपना वाला छोटा दिखेगा, बाजू वाला बड़ा दिखेगा, अपना वाला छोटा दिखेगा, ननंद का बड़ा दिखेगा, अपना वाला छोटा दिखेगा। ऐसा ना हो, हरेक की एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है। जो छोटी है उसका एक्सेप्ट करना सीखो कि ठीक है ये है छोटी तो कोई बात नहीं, जो बड़ी है उसको अप्रिशिएट करना सीखो। एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण मंत्र है पेरेंटिंग के, जिससे जो छोटी बाजू है ना वो भी बड़ी बन जाती। हमारे यहाँ एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया, पेरेंट दोनों बच्चों को लेके आए, और आते ही परिचय करवाया कि देखो दोनों को लेंगे तो हम यहाँ रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है ना, हम देखेंगे क्या करना है। बोले नहीं जी, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये छोटा वाला जो है ना ये बहुत स्मार्ट, एकदम हर पढ़ाई में एकदम अच्छा है, उसको हरदम ए ग्रेड आता है, लेकिन ये बड़ा वाला है ना इसको कुछ नहीं आता, मैथ्स में तो जीरो है, जीरो। वही लेबल लगा दिया उसके माथे पर। मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं, ये हम देखेंगे ना, ये काम हमारा है देखना। कहा नहीं नहीं, आपको पहले ही बता देता हूं, दोनों को रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो हम तो, हमने दोनों को देखा और फिर हमने तय किया कि दोनों को रखेंगे हम। मैंने सोचा चलो छोटा वाला इतना होशियार है, वो बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट ले आएगा, बड़ा वाला भी सीख लेगा, उसको हम सिखाएंगे। दोनों हॉस्टल में एडमिट हो गए। 15 दिन में छोटा वाला जो था वो होमसिक हो गया, वो घर चला गया, और हमारे पल्ले ये बड़ा वाला बचा। और उसकी रोज कंप्लेंट आती थी क्लास से, हर रोज क्लास से कंप्लेंट आती थी कि ये सबसे पीछे के बेंच पे बैठता है और पीछे से पेपर बॉल मारते रहता है। या तो फिर उसको एक विशेष कला भी अवगत थी कि वो बिना अपने ओठ हिलाए अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकता था, बिना ओठ हिलाए, और पता ही नहीं चले कि कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज आती थी, और ऐसी ऐसी आवाजें निकालता कि सारी क्लास हंस देती, डिस्टर्ब हो जाती, तो रोज उठ के उसकी कंप्लेंट आती। तो मैंने स्पोर्ट्स के टीचर को बोला कि इनको जो है इस बच्चे को सुबह में भी 1.5 घंटे का एडिशनल फिजिकल वर्कआउट दो, इसको कोई गेम में जोड़ो। अब सुबह में उठा के उसको भेजना, 6 बजे चालू हुआ, लेकिन फिर हॉस्टल से कंप्लेंट आने लगी, उठता ही नहीं है, इसको लिटरली उठा के ले जाना पड़ता है। लेकिन थोड़े दिन में जाना शुरू हुआ बच्चा वहां, और संयोग से उसी साल वो बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा स्कूल की टीम में सिलेक्ट हो गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहां तो स्कूल टीम में आना भी बड़ी बात होती है।
तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और उसको कहा कि बेटा देख तेरे हाथ में इज्जत है स्कूल की, अच्छे से तैयारी करना। अब उसका कॉन्फिडेंस ऐसा, बोला सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना। उसके कहने का स्टाइल ही ऐसा था, एक तो कद उसका ऊंचा, और फिर डिस्ट्रिक्ट की कॉम्पिटिशन्स में जब ये गए, वो कॉम्पिटिशन हमारी यहीं थी तो मैं भी देखने गया था, और बच्चा इतना जोश में खेला कि पहली जो मैच थी वो 52-2 से हम लोगों ने जीती। सामने वाले टीम के सिर्फ 2 गोल कर पाए और हमारी टीम ने 52 गोल किए, तो जीत गई। मैंने बड़ा उसका अभिनंदन किया। शाम के समय में जब गया तब उसको मिल के आया। ये सारी की सारी टीम डिवीजन खेलने को गई, और डिवीजन के वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि ये 2 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ है, वो डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही वो बच्चे आए लौटे तो अगले दिन सुबह उनका बड़ा सम्मान हुआ असेंबली में, और मैं दोपहर को गया तो उसकी क्लास में चला गया। मैं उसको आगे, वो आगे ही बैठा था, मैंने कहा मैडम ये आगे बैठा है आज क्या पनिशमेंट मिली है क्या इसको, क्योंकि अक्सर आगे बैठता तो पनिशमेंट मिलती तो आगे बैठता था वो। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं आज खुद होके आगे आके बैठा है। मैंने उसको खड़ा किया, सामने बुलाया, पीठ थपथपाई, उसको कहा देखो अब तुम तो जाओगे, अब बाकी बच्चे तो खेलने नहीं आएंगे तुम्हारे साथ क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, अब वो सीधे अगले साल, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी बच्चों को रोज खेलने ले जाना है। बोले सर डोंट वरी मैं हूं ना, उसका वो परमानेंट डायलॉग था। और टीम खेलने गई स्टेट के मैचेस, और मुझे वहां से मैसेज आया कि उसका सिलेक्शन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल में जाने के लिए हो गया है। तो मैंने स्कूल में इंतजाम कराया, जैसे ही उसकी गाड़ी अंदर आई जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसको सैल्यूट किया, उसने कहा कमाल हो गया तो नेशनल में जा रहा है। जैसे वो गाड़ी से उतरा तो जो माली था गार्डनर था वो गार्डन से एक फूल लेके आया, उसको फूल दिया, बोले मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ लेकिन आज तेरे लिए मैंने फूल तोड़ा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। जब वो वहाँ से मेस में गया खाना खाने के लिए शाम का, तब मेस का मैनेजर उसके लिए गुलाब जामुन की प्लेट लेके आया और उसको गुलाब जामुन खिलाया, उसने कहा कि बेटा तू कमाल का लड़का है, आज बाकी किसी को स्वीट डिश नहीं है लेकिन तेरे लिए मैंने बनाई। अगले दिन सुबह में असेंबली में उसका जोरदार सम्मान हुआ। दोपहर को मैं गया उसके क्लास में तो आगे बैठा हुआ पाया। मैंने फिर टीचर को पूछा आज भी आगे बैठा है, तो टीचर ने कहा जिस दिन से ये जीता है ना उस दिन से आज तक ये आगे ही बैठा है, जिस दिन से जीता है उस दिन से आगे ही बैठा है और ध्यान देने लग गया है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जब बाहर निकलती है खेलते समय तो माइंड फोकस करता है। आज तक उसके पास दिखाने लायक कुछ था नहीं तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग किस्म की आवाजें निकालता था, अब दिखाने लायक कुछ हो गया कि मैं नेशनल प्लेयर हूं तो उसमें अपने आप एक डिसिप्लिन आ गई, आगे आके बैठने लग गया और मैथ्स में भी अच्छा करने लग गया। यह है हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, कि उसका फिजिकल इंटेलिजेंस अच्छा था, उसको वहां पर स्कोप मिल गया तो अपने आप उसका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ऊपर आने लग गया। लेकिन घर में जो तुलना होती थी कि छोटा वाला बढ़िया है बड़ा वाला कुछ काम का नहीं, इस लेबलिंग ने उसका सत्यानाश किया था। हमने एक खेल खेला था स्कूल के अंदर, उस स्कूल में ऐसा था कि अलग अलग प्रकार के लेबल बच्चों के माथे पे लगाए गए, स्टिकर्स लगाए गए, बच्चे को पता नहीं मेरे माथे पे कौन सा स्टिकर लगा है, और वो बच्चा जो है वो अपने माथे का स्टिकर लेके बच्चों में बाकी बच्चों में घूम रहा है। बाकी बच्चों को यह कहा गया था कि तुमको मैं कौन हूं यह पहचानना है लेकिन सामने वाले का नाम नहीं लेना है, बिना नाम लिए उसके साथ ऐसी ही बातचीत करनी है जैसे कोई वो व्यक्ति जिसके नाम का लेबल लगा है वही व्यक्ति मेरे सामने आई, इस प्रकार की बात करनी है। बच्चे खेल खेलने लग गए, 15-20 मिनट में बच्चों ने पहचान लिया मैं कौन हूं, लेकिन मैं बड़ा निरीक्षण कर रहा था, मैं ध्यान देकर देख रहा था कि हो क्या रहा है। और जिस बच्चे के माथे पर लता मंगेशकर लिखा हुआ था उस बच्चे को हर लड़का हर लड़की बोलती थी कितना सुंदर गाना गाती है तू, इतनी उम्र हो गई तेरी 90 साल की लेकिन आज भी तो 18 साल के लड़की की आवाज निकालती, वगैरह वगैरह ऐसी सब बात, ये मेरे वतन के लोगों ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा, ऐसी बात उसके साथ कर रहे थे, तुम भारत रत्न हो, तुम गाना कोकिला हो, वगैरह वगैरह। मेरा ध्यान था बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस बच्ची के माथे पर हमने ऐश्वर्या रॉय लिखा था 15 मिनट के अंदर उस बच्ची की चाल बदल गई, वो ठुमकते चलने लगी, वैसे बालों में झटका देती गर्दन उड़ाती पता नहीं क्या हो गया उसको, बड़ा कॉन्फिडेंस से खेंड करती थी, स्माइल करके हेलो हाय करती थी। मैं देख रहा था मिलने वाला हर लड़का हर लड़की उसको यही बोल रहे थे कि तू सुंदर है, तो कितनी सुंदर है, तो विश्व सुंदरी है,
तेरे जितना सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं, तेरी केशभूषा कितनी अच्छी है, तेरी वेशभूषा कितनी सुंदर है, मुझे तेरा फोटोग्राफ चाहिए तेरे साथ, मुझे तेरा ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा कहते 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 15 मिनट में उस बच्चे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भरा कि मैं सुंदर दिखती हूँ, और उसी तरीके से वो घूमने लगी। और उसी समय जिस बच्चे को हमने लालू प्रसाद नाम का लेबल दिया था, गायब हो गया बच्चा वहां से। मैंने ढूंढ के निकाला उसको, एक खंबे के पीछे मिला छुपा हुआ। मैंने पूछा उसको, बेटा खेल क्यों नहीं रहा है? बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? बड़ा गुस्से में था मेरे ऊपर। बोले आपने सबको अच्छे अच्छे लेबल दिए, मुझे ही गलत लेबल दे दिया जानवर का। मैंने कहा जानवर का? मैंने तुम्हें भी अच्छा लेबल दिया है। बोले नहीं नहीं, मिलने वाला हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की मुझे ये पूछते, तूने चारा खाया क्या, चारा खाया क्या, मुझे नहीं खेलना। 15 मिनट का लेबल बच्चों के अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास जगाता है या इस प्रकार से आत्मविश्वास खत्म कर देता है? 15 मिनट का लेबल। और हम दिन भर घर में अपने बच्चों के माथे पर जिस प्रकार के लेबल लगा रहे हैं, हमें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि बच्चा क्या बनेगा। हम बच्चों को बड़े आसानी से नहीं कह देते कि ये मत करना, यहां मत चढ़ो, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, धूप में नहीं जाना है, बारिश में नहीं कूदना है, सोफे में मत चढ़ो, नहीं तो बड़े आसानी से ये टीवी मत देखो। लेकिन उस नहीं का परिणाम होता मुझे दिखाई नहीं देता है। और खास करके मोबाइल को लेकर 2 साल के बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन होने लग गया है। 2 साल का बच्चा बिना मोबाइल देखे वो खाना भी नहीं खा रहा, और उस बच्चे को भी पता है क्या करना है, कौन सा वीडियो कैसे निकाला जाता है, बच्चे को पता है। भयंकर है। आपको लगता होगा बच्चा होशियार है, सॉरी टू से, आपका बच्चा गलत राह पे चल दिया है। खाने के समय पे बच्चा हो या बड़ा, मैं आज भाईती जी के घर पे गया था, सीनियर भाईती जी का रूल है, वो हंसते हंसाते रहते हैं, लेकिन उनका रूल है कि खाने के टेबल पे मोबाइल नहीं, मोबाइल बसते रहे दूर पर, कोई उठा नहीं मोबाइल लेने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका अभिनंदन करने का मन करता है कि ऐसे डिसिप्लिन घर में है। तो बच्चों को नहीं कहने की अपेक्षा हम कुछ विकल्प उनके सामने दे। एक बार तो हमने छुट्टी में ऐसा विकल्प दिया बच्चों को कि पूर से अंत होने वाले गांव ढूंढिए, जैसे जयपुर है जो पूर से अंत होता है, जोधपुर है पूर से अंत होता है, तो ऐसे पूर से अंत होने वाले गांव ढूंढे। और बच्चों ने लिस्ट बनाना आरंभ किया, बड़े बड़े मैप्स लेकर बच्चे बैठे पूर ढूंढने लगे। एक बच्चे ने 1800 पूर ढूंढ के निकाले, वो सिंगापुर कुआलालंपुर तक पहुंच गया कि वहां भी पूर है। फॉरिन कंट्रीज में पूर कहां कहां वो भी ढूंढ लिए, 1800 पूर ढूंढ के निकाले। और बच्चे को धुन लग गई और मैप समझ में आ गया कि मैप कैसा होता है। बच्चों को विकल्प देने से नहीं कहने की नौबत नहीं आती, अदरवाइज आपका नहीं तो काम ही नहीं कर रहा है। आप दिन में 10 बार बच्चों को कहते कि ये मत करो, ये मत करो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, लेकिन क्या उसका प्रभाव हो रहा है बच्चों के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पहली बार बच्चा कहता है हाँ आ रहा हूं, दूसरी बार कम से कम पहली बार तो चैनल बंद किया था उसने, टीवी बंद किया था रिमोट से, लेकिन सेकंड टाइम तो वो बंद भी नहीं कर रहा, कहता है आ रहा हूं। दूसरी बार कम से कम देख के बोला था आ रहा हूं, तीसरी बार आप मना करो, वो देखता भी नहीं, बिना देखे बोलता है आ रहा हूं। यदि ये घट रहा है आपके घर में तो इसका मतलब यह है कि आपके नहीं का जो शस्त्र है उसकी धार अब चली गई, वो इतनी बार इस्तेमाल किया गया कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई, वो नहीं से बच्चा अब मानता नहीं। यदि बच्चे को कुछ विकल्प दे, देखिए आज यदि मैं दिन में 10 बार नहीं कह रहा हूं या नहीं कह रही हूं, चिंतन कीजिए कि आज कल का दिन आप जरा ध्यान रखिए, कल संडे है, बच्चे घर पे रहेंगे, तो दिन में कितनी बार मैं नहीं कहता हूं इसको नोट करके रखना, और पता चलेगा शाम तक कि मैंने 8-10 बार मना कर दिया किसी चीज के लिए। अब उसके बाद में ये सोचना, उसके आगे लिखना कि इसकी जगह मैं क्या करने को कह सकती थी बच्चों को, ये विकल्प क्या दे सकती थी। क्या मैंने घर में मट्टी ला के रखी कुछ, किसके मट्टी के खिलौने बनाओ? हम लोग देते हैं मट्टी, गीता परिवार में जब बच्चे आते तो मिट्टी देते बच्चों को, कहते इसके गणपति बनाओ, इसके बैल बनाओ, इसके नाग बनाओ, जैसा बच्चा वैसा। लेकिन जब वो बच्चे बनाते उसको पेंटिंग करते, उसकी पूजा भी करते हम लोग, तो बच्चों को बहुत खुशी होती है कि मेरे गणेश जी बैठाए गए। हमारे यहाँ तो अब संगमनगर में ये हो गया है कि हर घर में बच्चे ही गणेश बनाते हैं, बाजार से गणेश नहीं लाते हम लोग, हम घर पे गणेश बनाते और लगते ताकि उसका विसर्जन जहाँ भी हो वो इको फ्रेंडली हो। हम लोगों ने ये परंपरा आरंभ की वहाँ पर, और अब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये और भी जगह पहुँच रही है। हम जन्मदिन भी मनाते तो भारतीय विधि से मनाते, और ऐसे ऐसे सारे विकल्प जब खड़े कर दिए गए कि केक मत काटो, बत्ती मत बुझाओ, कहने से बच्चे को मज़ा नहीं आता, बच्चे को चाहिए कि कुछ करने को दे,
तो सुंदर गाना गाया जाए, तो उस बच्चे के लिए हमने भारतीय पद्धति का गाना भी बनाया। और ये सब बच्चों को जब देते हैं तो विकल्प मिलता बच्चों को। हमारे विद्यालय में तो हर बच्चे का जन्मदिन स्टेज पर मनाते हम लोग, उसके हाथ से स्टेज पर ही हवन करवाते हम लोग, और उस दिन हवन करके सारे बाकी बच्चे तालियां बजाते हुए जब उसके लिए गाना गाते हैं, तब उस बच्चे के अंदर एक बड़ी आत्मविश्वास की भावना जगती। इस प्रकार के अन्यान्य उपक्रम गीता परिवार के माध्यम से हमने तैयार किए, और ये जब हम बच्चों को देने लग गए तो बच्चों को मजा आने लग गया। चलो एक खेल और खेलते हैं हम लोग। खेल ऐसा है कि मैं जैसे ही तीन कहूंगा, मैं एक दो तीन कहूंगा, जैसे ही तीन कहूंगा आपको एक ताली बजानी है, जैसे ही तीन कहूंगा आपको एक ताली बजानी। चलो तैयार हो जाए, समापन की तरफ जा रहे हैं, एक आध दो खेल खेलते और फिर मैं रुकता हूं, और फिर थोड़े प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तैयार हैं आप लोग? जैसे ही तीन कहूंगा आपको ताली बजानी, तैयार रहना आप लोग, रेडी, एक दो। मैंने कहा है कि मैं तीन कहूं तब ताली बजाना, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये पेरेंटिंग का सबसे मेन रूल है कि जल्दबाजी में काम मत करना, पहले सुन लेना फिर जवाब देना, ठीक है ना? तो मेरा तीन सुनना है, फिर जवाब आपकी ताली है। आर यू रेडी? तैयार, एक दो। क्यों बचती है ये ताली? इसका कारण है, मेरा तीन कहना मेरी क्रिया है और आपका ताली बजाना आपकी प्रतिक्रिया है, और हम आधी हो गए कि हम क्रिया से पहले ही प्रतिक्रिया देते रहे, क्रिया से पहले ही प्रतिक्रिया दे देते। लेकिन यदि वाकई में हम लोगों को बदलना हो तो आज से ही बदलना होगा, आज घर जाते ही बदलना होगा, बच्चों के साथ बातचीत करनी होगी, उसको सुनने को समय देना होगा। बच्चा भी अचंभित रह जाएगा कि श्री माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में जाके इतना बदल गई, भले ऐसा कह दे बच्चा, लेकिन आप डरना मत, कहने देना ऐसा, लेकिन जब तक बदलेंगे नहीं ना तब तक गड़बड़ है। तो बदलना तो होगा हम लोगों को, और बदलने की शुरुआत करने को मैं आया हूँ ताकि आपके अंदर वो नवरात्रि का प्रकाश फैलता रहे। जैसे ही तीन सुनेंगे तभी ताली बजाना, उसके पहले मत बजाना। जयपुर में आके जय जयकार हो, ऐसा ना हो कि मैं जयपुर से पराभूत होके जाऊँ। तो तीन बजेगा तभी ताली बजाना। तैयार हैं आप लोग? रेडी, तैयार, एक दो तीन। एक हाथ दो जो मेरे साथ वहां से आए उन्होंने बजा दी होगी, जयपुर वालों ने तो किसी ने नहीं बजाई, ये पक्की बात है। लेकिन यदि बदलाव हम लाना चाहे और उसके लिए वो मन का निश्चय, मन का संयम यदि हम लोग करें तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन आता है। इसको हमने देखा, ये परिवर्तन लाने का आरंभ हमको अपने आप के साथ में करना पड़ता है। अंकुर भाई सुबह से मेरे साथ में थे, कहा है थोड़े खड़े हो जाए जरा, अंकुर भाई है क्या यहाँ? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अंकुर भाई सुबह से मैं देख रहा हूँ आपकी क्षमता है, और चाहता हूँ मैं कि इस गीता परिवार के इतने उपक्रम हैं जो बच्चों के तक पहुँचाने हैं, तो थोड़ा आप दायित्व इसका ले और इसको जयपुर में फैलाना आरंभ करें। और जो जो लोग उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं इस गीता परिवार के काम, ये साधना का काम है जी, इसमें किसी का भला करना नहीं है, अपना भला होगा। एक वो संजय मालपाणी था जो स्टेज पे आके बोल नहीं पाता था, अब देश भर में बुलाते, विदेशों में बुलाते, मैं बोलने जाता हूँ, तो साधना का फल मिलने लग गया। तो उसी प्रकार से इस साधना के काम में जिनको जिनको जुड़ना है वो कार्यक्रम के पश्चात थोड़ा सा यहाँ रुक जाए, हम लोग बैठ करके इसको प्लान करेंगे कि कैसे करना है। और कोटा से भी लोग आए हैं, वो सब आपको बताएंगे, यहाँ से नज़दीक में ही हैं, तो आपसे निवेदन है। बहुत सुबह से मैं देख रहा हूँ इतना सेवा भाव है उनके अंदर, तो ये सेवा भाव निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और भी लोग जो जुड़ना चाहें जुड़े, आदरणीय भाईती जी से तो निवेदन है कि आपके आशीर्वादों की आवश्यकता होगी उन सब लोगों को जो इनसे जुड़ना चाहते हैं। एक अंतिम खेल खेलते हैं और फिर मैं रुकता हूं और फिर प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ेंगे। खेल मेरा ऐसा है कि मैं जैसा कहूं वैसे आपको करना है, सुन ले आप, मैं जैसा कहूंगा वैसे आपको करना है, तो इस काम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो चलो सब लोग अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ ऊपर करें, पहली उंगली और अंगूठा बाहर निकाले जरा, और दोनों को जोड़कर फिर तीन उंगलियां बाहर निकाल दें, और कहे कि श्री माहेश्वरी समाज के ये उपक्रम संस्कार समिति के बहुत सुंदर चल रहे हैं। कहो ना, अरे कहो ना, कहने में क्या जाता है ना, बहुत सत्संस्कार समिति के उपक्रम बहुत सुंदर होते हैं।
फिर धीरे धीरे डांस करना, ऐसे मोर के जैसे, जैसे मोर अपने घर आया है और उड़ रहा है ऊपर से यहाँ से वहाँ जा रहा है, और धीरे धीरे जो है मोर को अपने पास पास लाना है और धीरे से अपनी ठुड्डी पे लगाना है, लगाओ फिर ऊपर ले जाओ और फिर इस तरफ से मोर को नचवाते हुए लाके ठुड्डी पे लगाना है, लगाओ अपनी चिन पर, इधर से लाके लगाओ चिन पर, हाँ लगाओ लगाओ, अब इधर से लगाओ फटाफट चिन पे लगाना इधर से, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूं, लगाओ इधर से चिन पे लगाओ, हाँ तो चिन यहां है तो यहां लगाओ ना, मैं कहां कह रहा हूं यहां लगाओ। देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि जो मैं कह रहा हूं ऐसे करना, मैंने क्या कहा था, मैं ये थोड़ी बोला था कि मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे करना, मैंने ये कहा था कि मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे करना, और मैं बार बार कह रहा था ठुड्डी लगाओ ठुड्डी, अब मैंने सोचा ठुड्डी यहां नहीं समझ में आती हो तो फिर चिन कह दे, तो चिन भी कह दिया मैंने, और एक बार नहीं 10 बार कह दिया, लेकिन आप फिर भी आपकी चिन पे नहीं लगा रहे थे, आपके गाल पे लगा रहे थे, इसका क्या कारण था, क्योंकि मैं लगा रहा था यहां पे, मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी कृति आपको प्रभावित कर रही थी, व्हाट आई वॉज टॉकिंग वॉज नॉट इम्प्रेसिंग यू, व्हाट आई वॉज डूइंग वॉज डूइंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू, और मैंने जानबूझ के ये आपको समझाया कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो आप वही करेंगे जो मैं कर रहा हूं, वो कभी नहीं करेंगे आप लोग जो मैं कह रहा हूं, और बच्चों के साथ आपका यही होता चला जाता है, आप कहते तो बहुत कुछ है बच्चों को, लेकिन जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे, इतनी बात पक्की ध्यान में रखना, आप जो कहेंगे वो बच्चा कभी नहीं करेगा, आप जो करेंगे वही बच्चा करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि यहां से आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि बस इतने एक सेंटेंस से भी घर में एक वातावरण बहुत बढ़िया सा पैदा हो जाएगा। पेरेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स को बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, कि ज्यादा नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फूल तो अपने तरीके से खिलने ही वाला है, आप उसमें बाधा ना बने, इतना भी हो जाए ना तो अपना बच्चा ऊंचाइयां जरूर छुएगा। मुझे यहां बुलाया आपने और मेरे इतनी देर तक मुझे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं, और इसके पश्चात एक 10-15 मिनट के लिए हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपके प्रश्नों के लिए कागज दिए है क्या, कागज दिए हैं, ये कागज पे लिख के भेज सकते हैं या तो खड़े होकर पूछ भी सकते हैं, ये कागज जो दिए है निर्मला भाभी, आप थोड़ा ये कागज को इकट्ठा कर लो और देख लो कि ये इसके ऊपर के हिस्से में टिक मार्क करना मत भूलना, इसमें जो 4 चीजें दी है, यदि आप जुड़ना चाहते तो फिर आपका एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह सब नीचे देना होगा आपको, और यदि आपको ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आपको ईमेल से भेज दी जाएगी मालूमात गीता परिवार की, वो आप देख सकते हैं, और अभिप्राय देना है कार्यक्रम के बारे में तो वो लिख सकते हैं, और प्रश्न पूछना है तो नीचे प्रश्न लिखे। संयुक्त परिवार के बच्चों और एकल परिवार के बच्चों की क्षमता में क्या अंतर होता है? ऐसा है कि इसका जवाब ABCD या 1+1=2 ऐसा नहीं दिया जा सकता। पेरेंटिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी ये ऐसा साइंस है जिसका 1+1=2 ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, और इसलिए जरूरी नहीं है कि जो संयुक्त परिवार में हो रहा है, अब वो संयुक्त परिवार में ही यदि गड़बड़ है तो वहां पे भी बच्चों के अंदर कुछ बुराइयां आ सकती है, और इसलिए हर परिवार के अंदर उसके अलग अलग मायने रहेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि बड़े बच्चों को उतना समय नहीं देख पाते अपने अन्यान्य व्यवधानों के कारण, बिकॉज दे आर बिजी, दे आर अनेबल टू गिव दैट मच टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ। इन दैट केस व्हेन यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, that time it happens so that there are many children at a time and they play with each other, they develop with each other. जब संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है, तब ध्यान इस बात का हम लोगों को रखना है कि हमारे आजू बाजू के 4 घरों के जो बच्चे हैं ना, वो कम से कम रोज इकट्ठा आए और वो घंटा 2 घंटा रोज शाम में अपने साथ में आके एक दूसरे के साथ में खेले। इसमें जो एक दूसरे का आदान प्रदान होता है उसमें बच्चे की डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है, और इसलिए ये जरूरी नहीं कि सबका संयुक्त परिवार हो। जिनके विभक्त परिवार है तो वो अपने आजू बाजू के लोगों को ही अपना परिवार बना ले। हम लोग अपने स्कूल में जब थे तब ये कहते ही थे ना कि सारा भारत मेरा देश है और सारे समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ये कहते ही थे। तो वैसे ही
ऐसे कॉलोनी के 4-5 लोग मिलकर भी इस काम को आरंभ कर सकते हैं। और क्यों ना गीता परिवार ही आरंभ कर दे वहां पे, तो एक परिवार बना दे उस कॉलोनी के अंदर और संयुक्त परिवार बना दे। गीता परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इफ यू आर इन अ सिंगुलर फैमिली। बच्चों के प्रवेश के समय पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। हर बच्चे को अधिकार है, उसके माता पिता सीखे हुए नहीं है, वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, फिर भी उस बच्चे को ये अधिकार है कि उस बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला मिले। और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि इस प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता। यू हैव टू पुट द लॉटरी और लॉटरी से जो निकलेगा उसको प्रवेश देना होगा। तो ऐसा इंटरव्यू जब होता है तो उसका विरोध नहीं होता, ये सबसे बड़ी अड़चन है। बच्चों को मिलना चाहिए, इतना देखने के लिए जरूरी है कि क्या बच्चा अलग कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी का तो नहीं है ना। कुछ कुछ बच्चे स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, उनकी विशेष आवश्यकताएं होती है। जैसे कोई बच्चा रिटार्टेड हो थोड़ा, तो उसकी आवश्यकता कुछ अलग होती है। उतने के लिए बच्चे से और माता पिता से इंटरेक्शन हो ये आवश्यक है, लेकिन इंटरव्यू एज सच होने की आवश्यकता नहीं। और भी कुछ प्रश्न हो तो आप भेजिएगा। हाँ जी प्लीज। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन बच्चों के साथ में थोड़ी अड़चन क्या रहती है कि मेनी अ टाइम ही डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। अब खास करके जब ऐसी लड़की रहती है ना, ये इसको थोड़ा छाटने का काम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग अब एक छोटी बच्ची है, वो नहीं समझती है कि मुझे कहाँ जाना है, और वो अपने क्लास से निकलती है और बॉयज़ टॉयलेट में चली जाती है। तो ऐसे बच्चों के साथ में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन नाम से जो सिस्टम आई है, क्लास में ऐसे बच्चे एक हाथ बच्चा ऐसा आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके माता पिता को ये समझना बहुत आवश्यक होता है सबसे पहले तो, कि मेरा बच्चा हो सकता है कि 8वीं 9वीं तक ही स्कूल में पढ़ सके, उसके बाद में ये नहीं कर पाएगा। 8वीं तक तो फेल नहीं कर सकते RTE के तहत, तो वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन माता पिता को उसकी क्षमता समझ लेनी चाहिए कि इसको ये क्षमता नहीं है, फिर उसको स्किल ओरिएंटेड कुछ काम दे सकते हैं क्या, वो अपने आप कुछ काम कर सकता है क्या, ऐसा काम उसको सिखाना आवश्यक होता है। ये जो नॉर्मल स्कूल है ये उसके कभी कभी काम के भी नहीं होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यदि ऐसा बच्चा मेरे घर में आया है तो अपने आप को बड़ा लकी समझना चाहिए कि उसने परमपिता ने आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम किया और उसका ऐसा बच्चा आपके जिम्मे भेजा कि वो बच्चा मेरे यहाँ, तो भगवान का मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा है इसलिए वो बच्चा मेरे यहाँ आया है। और ऐसे बच्चे के लिए जब वो माता पिता अपना सर्वस्व लगा देते हैं, समय लगा देते हैं ना, तब वो भगवान की सेवा से बड़ी सेवा नहीं होती। ऐसे बच्चे को एजुकेशन मिलना ये उसका हक है, लेकिन कॉमन स्कूल्स में वो स्किल एजुकेशन उसको मिले ये कह नहीं सकते। इसलिए उसको जो स्किल एजुकेशन की आवश्यकता है ऐसा स्कूल उसके लिए ढूंढना होगा। यदि वो लेवल रिटार्डेशन लेवल उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक भी कभी कभी वो बच्चा उनके साथ मैचअप कर लेता है, कोपअप कर लेता है। हम लोग तो अपने स्कूल में ऐसा एक आध बच्चा आता है तो उस को बहुत प्रेम भी देते हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं, तो वैसा सिस्टम अपनाना होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो डिसलेक्सिक किड्स होते हैं, हाँ जी, उनके साथ में फैमिली को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होता है और हम उसे डॉक्टर के पास फॉर ट्रीटमेंट ले जाते हैं तो जनरली होता यह है कि वहाँ पे ज़्यादा मेंटली रिटार्टेड बच्चे आते हैं, तो उसमें आधे पेरेंट्स ये समझते हैं कि आप जिस ट्रीटमेंट के लिए उसको ले जा रहे हो वो पागलों का डॉक्टर है, तो हम लोग को ये मेंटेलिटी कैसे पलटनी है? और सेकेंडली जो स्कूल है वो प्राइमरी लेवल पे भी क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको अलग से एजुकेशन देनी होगी। RTE के तहत हर स्कूल को कंपलसरी है कि उनको स्पेशल एजुकेटर रखने ही होते हैं।
स्पेशल एजुकेटर नहीं है तो CBSE भी एफिलिएट नहीं करती है स्कूलों को, और इसलिए हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होते हैं, और जो थोड़े से लैगिंग बिहाइंड ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके रिमेडियल क्लासेस लेने की व्यवस्था भी स्कूलों को करनी पड़ती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं स्कूलों को करने को कहना चाहिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि स्कूलों को भी इस प्रकार के बच्चों को सम्मानजनक उसको अपने साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में लाना, ये स्कूलों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी उनको समझना चाहिए। तीसरी बात, समाज में क्या परिवर्तन लाए। अब ऐसा है कि दैट इज़ वन थिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, कि हम समाज का नज़रिया हम अकेले नहीं बदल सकते। बदलना चाहिए, आवश्यक है, वो बदल भी रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बदल रहा है। ऐसे बच्चे कुछ संख्या में समाज में रहने ही वाले हैं, ये समझ के चलना होगा, उनकी स्पेशल नीड्स को हमें समझना होगा। इन बच्चों को अक्सर कभी कभी फिट्स आती है, तो क्या रिमेडी होती है उसके लिए, क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, ये वहाँ स्कूल के लोगों को पता नहीं होता है कई बार। वो उनको समझाना होगा कि उसको ये प्रकार के ट्रीटमेंट देने से वो 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। तो ये सब करने के लिए, समाज का नज़रिया बदलने के लिए उतने संसाधन हमारे पास नहीं हो तो फिर उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। समाज जो कहे वो कहे, लेकिन मुझे जो आवश्यक है उस बच्चे के लिए करना, वो मुझे करना चाहिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर, और मेरा प्रभाव जहाँ जहाँ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे विद्यालय पर है, जो जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा अधिक कर्टसी काउंटर वहाँ पे होना, कंसर्न होना, ये इतना काम मैं कर सकती हूँ तो उसको अवश्य करना चाहिए। 10 से 15 साल के बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। व्हाट्सएप के कारण कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होती जा रही बच्चों की, क्योंकि हर वो इवन सोशल मीडिया में या साइट सर्फिंग में हर जगह पे 2-2 सेकंड में बच्चे वो चेंज करते हैं। तो एक चीज पर जब बच्चा रुकता है तो तभी तुरंत वो बदलता है, दो मिनट में। तो एक चीज के ऊपर ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों को नहीं आ रहा है। अपने जमाने में एक चीज थी कि एक किताब कभी मिल जाती थी, बढ़िया किताब, तो उसको पढ़ने में हम लोग 100-100 पन्ने एक साथ पढ़ लेते थे, 3-3 घंटे लगे रहते थे। खाने की सुध नहीं आती थी, इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था। रात को नींद नहीं आती थी, इतना भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था। अब वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम आ गया, इसके लिए कुछ तो करना होगा। मेरा तो एक कहना है कि 12वीं तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। देना भी है तो वो सादा वाला दो, स्मार्टफोन मत देना। आपका प्यार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो ये दिखाने के लिए बहुत महंगा फ़ोन देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास समय कम है ये दिखाने, ये नहीं दिखे लोगों को, इसलिए आप ज़्यादा महंगा वाला खिलौना बच्चे को देते हैं। लेकिन स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन 12वीं तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चा कॉन्टैक्ट में रहे इसके लिए फ़ोन करना आना चाहिए, इसके लिए उसको दे। रात को बच्चा घर पे आते ही मोबाइल अपनी माँ के पास जमा कर दे, 12वीं तक ये रूल रहे घर में कि मोबाइल जमा कर दे। इससे उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, जो डिस्ट्रैक्ट करने का कार्यक्रम हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और गलत चीज़ों से बच जाएगा बच्चा। दूसरा, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए प्राणायाम जैसा कोई साधन नहीं है। बहुत गजब काम कर रहा है प्राणायाम, हम लोग तो बहुत रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर और ये बहुत सुंदर काम कर रहा है। ये एक तरीका है कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा। बच्चा कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता ये समझना भी जरूरी है। बच्चा कॉन्सेंट्रेट तब नहीं करता है जब उसको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वहां पे वो अपने आप कॉन्सेंट्रेट करता है। तो कॉन्सेंट्रेट वो कौन सी चीज पे हो रहा है, म्यूजिक पे हो रहा है, गेम्स में हो रहा है, खेल पे हो रहा है। एक ने पूछा है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा खेल में इंटरेस्टेड हो, खेल में यानी कौन से खेल में, ये मेरा पहला सवाल रहेगा। वो मैदान के खेल में इंटरेस्टेड हो तो नथिंग लाइक दैट, जरूर भेजना चाहिए। और जितना ज्यादा आप सुबह में 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा बच्चे को खेलने को भेजेंगे तो उसके अंदर की जिम्मेवारी जो है वो बढ़ जाती है कि मैं खेलने जा रहा हूं तो मेरे को पढ़ाई भी करनी है। आप खेलने नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ाई भी नहीं करेगा। ये अक्सर होता है बच्चों के साथ में। और खेलने में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है उनको जरूर आप खेलने में भेजिए, क्योंकि हो सकता है 7वीं में बढ़ाया हुआ बच्चे को आगे ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन एक बार बच्चा 7वीं में खेलने की उसको ललक आ जाए ना, तो बच्चा अपने आप को फिट रखने के लिए लाइफ टाइम कोशिश करता है। और वो फिटनेस, आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य सबसे बड़ी धन संपदा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे धर्मों का पहला साधन है। तो
खेल तो उसके लिए बड़ा आवश्यक है, हाँ, लेकिन ताश खेल में या वीडियो गेम्स में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो देन यू हैव टू टेक हिम बैक और उसको किसी ऐसे खेल में जोड़ना होगा जहां पे उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे खेलने लग जाते हैं उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने आप ऊंची होने लग जाती है। स्पोर्ट्स का यही सवाल है। तो ये जो शेड्यूल उसका फिक्स हो, ऐसा फिक्स शेड्यूल करने से अच्छा, और वो डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ खेलने जा रहा है और क्या खेल रहा है पता ही नहीं, ऐसा भी ना हो। हाँ, ये तीसरी चौथी तक ठीक है कि जा रहा है, खेल रहा है, आ रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है उसको एक गेम उसकी फाइनल कीजिए और उसके अंदर उसको आगे बढ़ाइए। और आजकल तो गेम्स में इतना आगे बढ़ते हैं बच्चे और इतने अच्छा काम कर रहा है, और जो बच्चा गेम में आगे बढ़ता है वो डेफिनेटली पढ़ाई में भी निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, ये हम लोगों ने देखा है। Despite of making my children about merits and demerits of using mobile or playing games on mobile, they are not responding and understanding the value of its limited use. Paryay, vikalp. Vikalp kya diya aapne? Sirf isko mana kar raha hai, to what is the alternative? Alternative kuch nahi denge. तो ये भी मत कर, वो भी मत कर। बच्चा रसोई करने आता है, मैं आज रसोई करूंगा। छोटा बच्चा आता है, अक्सर आता है कि मुझे रोटी बेलनी है, और माँ क्या कहती है, चल, तो सारा घर चिकट करेगा। अब वो बच्चा वहां से निकला बाहर, तो उसके हाथ में मोबाइल लगा, तो वो मोबाइल खेलता रहा। बच्चों को हम विकल्प क्या देते हैं इस पर निर्भर करता है कि वो उस चीज से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या बच्चों को हम घूमने ले जाते हैं छुट्टियों में? सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स मत करना, ये भूल हो जाती है अक्सर हमसे कि हम बड़ी महंगी महंगी फॉरेन ट्रिप्स बच्चों के साथ कर लेते हैं और हम हमारे ही तीर्थों की यात्रा बच्चों से नहीं करवाते। हम बचपन में जब तक बच्चा अपने हिसाब से चलने वाला है तब तक कम से कम हर साल उसको किसी न किसी तीर्थ में ले जाना बहुत जरूरी है। लेट इट बी व्हाटएवर इट मे बी, हम क्यों जाए वहां पे, वहां तो पंडे होते हैं, वो पंडे ऐसा करते वैसा करते, डोंट आर्ग्यू, वो पंडे उनको जो करना है करने दो, आप भगवान के पास जा रहे हैं, वो पंडे के पास नहीं जा रहे, आप भगवान के यहां जा रहे हैं। और उस बच्चे को बताएं उस भगवान की कहानियां। बच्चों को जब हम इन चीजों के साथ जोड़ते चलते हैं ना, तो अपने आप संस्कारों का बीजारोपण बच्चों में अपने आप होने लगता है। और फिर बच्चे कभी भटक भी जाए कॉलेज में जाकर, तो फिर साल दो साल बाद सही ट्रैक पे आ जाते हैं, लेकिन हमने उनकी नींव ही अच्छी नहीं बनाई तो गड़बड़ होगी। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट अल्टरनेटिव्स यू आर प्रोवाइडिंग हिम व्हाइल यू आर सेइंग नो टू सम पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट इज टीवी और इंटरनेट और मोबाइल व्हाटसोएवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू प्रोवाइड हिम सम बेटर ऑप्शंस। और ये बेटर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हमने बच्चों को एक बार बताया कि चलो हमारे यहाँ दैनिक भास्कर आता है, दैनिक भास्कर में रोज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज आती है, उसको कट करेंगे, उसको चिपकाएंगे और उसको पढ़ेंगे सब मिलके साथ में। ये जिम्मेदारी बच्चे की है कि वो शाम को हम सबको ये पढ़ाए सुनाएगा। हमने ये सभी बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया। एक पेरेंट मेरे पास आए, बोले पागल हो गए क्या आप? बोला क्या हो गया? बोले घर पे आते ही बच्चे काट लेते हैं। मैंने बोला अच्छा तो करते हैं, फिर उनको सिखाया है हमने कि वो जो पेपर कल वाला है उसी को काटना है, आज वाले पेपर को नहीं काटना है, हमने सिखाया उनको। क्या वो आज का पेपर काट लेता है, ताजा पेपर काट लेता है? उसने कहा नहीं जी, ताजा नहीं, वो कल का ही काटता है, लेकिन काटता है ना हमारे। तो मैंने कहा क्यों, बाजू वालों को भी परेशान कर रहे क्या, उनके पेपर ले आता है क्या? बाजू वालों का करे जो करे, हमारा करता है उसका क्या? मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में नहीं आ रही, आप क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा जय आप जानते नहीं, रद्दी का भाव कम हो जाता है। कहा बच्चा रद्दी हो जाए तो चलेगा आपको, लेकिन रद्दी का भाव नहीं कम होना चाहिए। बच्चों को अल्टरनेटिव दीजिए इस प्रकार के, जब बच्चा लाउड रीडिंग करेगा ना, वो हिंदी का अखबार चिपका कर जब लाउड रीडिंग करना शुरू करेगा, बिलीव मी आपके सारे बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं और अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे तो वो अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। यदि उनको अच्छी लीडर का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडर बने, वो फैक्ट्री में मैनेजर बने, फैक्ट्री का मालिक बने, वो लीडरशिप करे जहां भी हो, उस क्षेत्र के लीडरशिप करे, उसको लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए।
और लोकल लैंग्वेज कब आएगी, जब वो पढ़ेगा तब आएगी। तो लाउड रीडिंग इसके जैसा तो कोई काम नहीं। रोज रात को बच्चे को वो जो आया है, छोटा छोटी सी कहानी होती है, उसको लाउड रीडिंग करने को कहो सबके लिए। ऐसा कुछ विकल्प उसके सामने लाएंगे तो अपने आप बच्चा उन चीजों में इंटरेस्ट लेता जाएगा और गलत चीजों से बाहर आएगा। हाउ टू टैकल अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन। देखिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव, देखिए हाइपर एक्टिव ये तो गाली हो गई, डोंट कॉल हाइपर एक्टिव टू एनी चाइल्ड, वो तो साइकेट्रिक की टर्म में एक प्रकार की बीमारी है। मैं तो कहता हूं कि आपका बच्चा उत्साही है और आपके बच्चे में ज्यादा एनर्जी है, तो यू मस्ट फील ब्लेस्ड, यू शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड कि अरे मेरे बच्चे में इतनी एनर्जी है और मेरे बच्चे के अंदर की जो एनर्जी है उसको मैं चैनलाइज करने का चैलेंज है मेरे सामने। सो यू शुड बी ब्लेस्ड, डोंट टैकल हिम इन दैट वे। उसको शांत बनाने के लिए सबसे पहला काम उसको यह करवाना होगा कि वो रगड़ के खेले, पहले एक घंटा रगड़ के खेले, वो दौड़े भागे, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, कुछ तो एक घंटा ऐसा करे जिसमें वो पसीना पसीना हो जाए। ये होते ही बच्चे की शारीरिक ऊर्जा जब बाहर निकल जाती है तब मन स्थिर होने लगता है। जब तक शारीरिक ऊर्जा बाहर नहीं निकलती तब तक मन स्थिर नहीं होता बच्चों का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, डोंट कॉल अ चाइल्ड हाइपर एक्टिव। My son is studying in class 10th. From last 2 years, he has started making distance from us. Emotionally, he is aparting from us. He is also not attached with his younger brother, to whom he is attached. क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो attached है, वो अपने दोस्तों में attached है। ढूंढो कौन है वो, बुलाओ उनको घर पे और घर पे पार्टी दो उन लोगों को, उनको भी अपना बना लो। अपने बच्चों के दोस्त अपने घर पे आए ऐसी व्यवस्था करो कि हफ्ते में एक आध दिन आए, उनको खाना खिलाए, हम लोग बच्चों के साथ में बैठे, सबके साथ बातचीत करें, फिर उनका उनके खेलने दे, लेट देम गिव देयर ओन पेस एट द सेम टाइम। लेकिन बी अवेयर कि वो कौन से दोस्तों के साथ में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपसे अटैचमेंट कम हो रही इसका मतलब वो किसी और के साथ शेयरिंग बढ़ गया है उसका। वो कौन है जिसके साथ उसका शेयरिंग बढ़ा है, इसको ढूंढना आपको जरूरी होगा। आपके साथ शेयरिंग क्यों नहीं उसका कम, क्यों कम हो गया उसका, उसका एक रीजन होता है कि आपका ओपननेस वो सुनने का कम था, कि आप ओपनली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वॉट एवर वॉज हैपनिंग टू हिम यू शुड हैव एक्सेप्टेड। व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पिताजी के शूज पहनने लग जाए, उसकी चप्पल पहनने लग जाए, पापा की चप्पल उसको आने लग जाए, उस दिन से बच्चे के दोस्त बन जाओ। फिर आप पालक नहीं, फिर आप अभिभावक नहीं, आप दोस्त बने। हम क्या करते हैं, हम 10th के बच्चे के साथ भी पालक का रोल करते हैं कि मैं कुछ कहूंगा तुझे करना है। उसको क्या करना है, उसको समझे, उसको गाइड करे, फोर्स ना करे, उसको गाइड करे, एक फेलिसिटेटर बने उसके। ये जब जैसे करेंगे तब बच्चा शेयरिंग चालू करेगा। सो गिव लिटिल मोर टाइम। अभी ये थोड़ा कम हो गया है ऐसा आपको समझ में आ रहा है, तो वन गुड ट्रिप समवेयर फॉर 7-8 डेज टुगेदर विल वर्क इट आउट। आपके बॉन्ड्स जो थोड़े से ढीले हो गए उसको फिर से जोड़ने का वो तरीका हो सकता है। बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी परवरिश में यहां से कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैं बाहर था और अक्सर मेरे पिताजी मुझे पत्र लिखा करते थे। हमने वो बुक पब्लिश की, मराठी में थे इसलिए मैं लेके नहीं आया, लेकिन वो मुझे पत्र लिखते थे। अब तो इतनी सुविधाएं हो गई, उस जमाने में फोन भी नहीं थे हमारे यहाँ कि STD फोन कर ले, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो चिट्ठियां आती थी, कनेक्ट रहते थे और हम इंतजार करते थे चिट्ठी आने का। और उन्होंने कहा था कि तेरी चिट्ठी आएगी तो मेरा जवाब आएगा तुरंत, तो हम भी चिट्ठियां लिखते थे। जब मैं 18 साल का हो गया ना तब मैंने उनको लिखा था कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है और मेरे बर्थडे का गिफ्ट आप मुझे मोटरसाइकिल देना, और मुझे गारंटी थी क्योंकि उन्होंने कभी मना नहीं किया था किसी चीज के लिए, तो मुझे गारंटी थी कि मिल जाएगी मुझे मोटरसाइकिल।
और मैं इंतजार कर रहा था कि वो ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि वो बजाज के शोरूम में बजाज कावासाकी नाम की गाड़ी उस जमाने में बड़ी फेमस हुआ करती थी, तो बजाज की वो गाड़ी मुझे मिलेगी, तो उसका कोटेशन 18,000 रुपये की गाड़ी थी उस जमाने में वो, तो मुझे पक्का मालूम था कि आएगा ड्राफ्ट, तो अपने दोस्तों को भी बोल के रखा था, सब तय था कौन से कलर की लानी, क्या करना, कैसे करना, किसके साथ जाना, किसके साथ आना, सब पक्का था। और बिल्कुल जन्मदिन वाले दिन उनका पत्र आया, तो मैंने बड़े उत्साह के साथ में खोला, रूममेट्स भी आ गए और वो कहने लगे कि उनकी भी उत्सुकता थी कि अब ड्राफ्ट आएगा तो जाएंगे और इसकी मोटरसाइकिल लेके आएंगे। देखा अंदर तो ड्राफ्ट वाफ्ट कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि उन्होंने लिखा होगा अंदर कि इतनी मेहनत तू क्यों करता, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। रोज हमारी माल ट्रक आती थी पूना में, इतने प्रोडक्ट से तो रोज पूना में गाड़ी आती थी, और मोटरसाइकिल उनके लिए बहुत छोटी बात थी, बहुत छोटी बात थी। मुझे पता था ये कि जो आदमी हेलीकॉप्टर खरीद सकता है वो अपने बच्चे के लिए मोटरसाइकिल तो बिल्कुल खरीद ही सकता है, तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। और मैंने जब वो पत्र बाहर निकाला और पढ़ना आरंभ किया, तब लिखा था बेटा संजय तो 18 साल का पूरा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर, आज तो सज्ञान हो जाएगा, तो एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि तेरा हॉस्टल और तेरा कॉलेज बिल्कुल 100 गज की दूरी पर है, तेरे मोटरसाइकिल की क्या आवश्यकता पड़ गई, तेरे कॉलेज में एक स्विमिंग पूल है, उसमें तो सुबह शाम जाया कर, उस स्विमिंग पूल की लाइफ मेंबरशिप ले ले, उसका जो भी खर्चा होगा मैं तेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजूंगा, मोटरसाइकिल का अगली बार देखेंगे, हैप्पी बर्थडे। आप हंस रहे हैं, मुझे उस दिन पता चला कि मालपानी नाम का मतलब क्या होता है, जिसके पिता के पास इतना माल होने के बावजूद बच्चे के आंख में पानी। सारे दोस्त हंस रहे थे, मैं घर गया, खूब भला बुरा कहा मैंने, खूब तमाशा खड़ा किया, वो फर्म थे, उन्होंने कहा इस साल तो नहीं होगा, अगले साल देखेंगे। मैंने भाई की तौर से कहलवाया, माँ से कहलवाया, माँ ने कह दिया बेटा सुन ले उनकी बात, नहीं देंगे इस बार, अगली बार कर लेना। मैंने कहा मैं आऊंगा ही नहीं जब तक देंगे नहीं, दिवाली पे भी नहीं आऊंगा। अंदर से आवाज आई, जैसी तेरी मर्जी। मां ने पीठ से हाथ घुमाया, वो आकार दे रहे थे या आधार दे रही थी। मां ने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, दिवाली पे तो आ ही जाना। मैंने कहा ठीक है मां जैसा तू कहती है। क्या कहता और मैं जाता तो जाता कहां। एक साल तक नहीं दिया उन्होंने, आज वो इस दुनिया में नहीं है, एक साल बाद उन्होंने बिना मांगे भेज दी, मैंने भी मांगी नहीं तो उन्होंने भेज दी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब मुझे वो किस्सा याद आता है ना तो मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। वो इसलिए कि उनके उस एक नहीं ने, जो कि एक साल तक मुझे पचाना पड़ा, वो एक नहीं पचाने के उनके तरीके ने आज जिंदगी में जब नियति कई बार नहीं कह देती है, वो सारे नहीं पचाने की जो ताकत थी वो एक नहीं ने मेरे अंदर पैदा की, और इसलिए धन्यवाद देता हूं उनको। बच्चों के साथ जुड़े रहो अन्य अन्य तरीके से, फिर फेस टाइम करो, स्काइप करो, आजकल तो व्हाट्सएप पे कॉल हो जाता है, देखो क्या चल रहा है, देखो उनका कमरा कैसा है। मेरी माँ आती थी मेरा कमरा देखने के लिए, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अरे वाह मेरी माँ आती है, मेरा कमरा साफ करती थी, कपड़े धोती थी, सारे किताबें वगैरह ठीक करके जाती थी, झटक के जाती थी, मैं बड़ा खुश होता था कि मेरी माँ ऐसी घर से खाने पीने की चीज़ें घर पे बना के लाती थी, और बाकी किसी के नहीं आती थी, मेरी आती थी। मैं बड़ा बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे नहीं आती थी, भले ही वो कम पढ़ी लिखी हो लेकिन वो चलते चलते मेरे नोटबुक देख लेती थी, और आज यहां तक पहुंचा है, अगली बार उसके आगे पहुंचा या नहीं पहुंचा देख लेती थी। जब मेरी अलमारी का कागज वो साफ करती थी तो अलमारी के कागज के, अखबार के कागज के नीचे भी कुछ कागज की चिट्ठियां चपाटियां कुछ रखी है देख लेती थी। मैं वैसा नहीं था लेकिन वो बड़ी सजग थी, वो बड़ी सजग थी और बड़ा कनेक्शन बनाए रखती थी। तो ये समय तो निकालना पड़ेगा, और ये समय निकाल कर हम उन लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं जो अपनों से दूर है। आजकल के बच्चों के मन, सोच और अनेक अभिप्राय अलग होते हैं। हम माता पिता का पालन पोषण संयुक्त परिवार में हुआ है, और आज के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा
झुकते हैं, हम उनको समझे या बच्चे हमें समझे, यह बहुत बड़ा असमंजस है। यू गो ऑन योर ट्रैक, आपका भरोसा यदि आपके ट्रैक पर है तो उसको आप कभी मत छोड़ना, एक दिन बच्चा आपके पीछे चलेगा, ये पक्की बात है। मैं अपने बच्चे को लेके गया था द वो कोडाई कैनाल के द कोडाई स्कूल में डालने के लिए, वहां पे मैंने देखा कि नीचे और ऊपर दो अलग अलग किचन थे। नीचे का किचन जो था वो वेजिटेरियन था, ऊपर नॉन वेजिटेरियन था। कोडाई लेक के बाजू में उसको लेकर जब मैं बैठा तो मैंने उसको कहा, बेटा तेरे को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ आज, लेकिन एक बात हरदम याद रखना कि अपने फैमिली के कुछ वैल्यूज हैं। मुझे पता है कि यदि मैं ये कहूँ कि अंडा अच्छा होता है या नहीं बुरा होता है, तेरे पास बहुत से तर्क होंगे ये कहने के लिए कि अंडा बुरा होता है या अच्छा होता है, लेकिन तेरी दादी के जो डाले हुए कुछ मूल्य हैं, उसके कुछ वैल्यूज हैं, उसमें तो ऊपर वाले किचन में यदि कभी गलती से चला जाए और उसको पता चल जाए कि तेरे मुंह में ऐसी चीज चली गई जो नहीं खानी चाहिए थी तुझे, तो उसकी उम्र जो है वो घट जाएंगे कुछ दिनों से। सो बी केयरफुल, नेवर गो देयर। उसकी आंख में पानी था, उसने कहा, बाबूजी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं वहां जाऊंगा? आई विल नेवर, आई नो माई फैमिली वैल्यूज। बच्चे सब जानते हैं जी, बच्चे सब जानते हैं। हाँ, हम पक्के हैं या नहीं उस राह पर, ये हमको तय करना है। हम उसको तय करें कि हम उस राह पे पक्के हैं या नहीं, और इसलिए इस बात का बिल्कुल, जमाना कैसे भी चला जाए, हम अपने घर संभाल ले, हम अपने घर का दीपक जलाए रखे, हम अपना आंगन साफ सुथरा रखे, दीपावली अपने आप मनेगी, स्वच्छता अपने आप घटेगी, कोई चिंता का कारण नहीं। जयपुर का रेलवे स्टेशन में जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तब देखा था, मैंने यहाँ से दिल्ली गया था एक बार, इतना चकाचक हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जयपुर के रेलवे स्टेशन को। अब पता नहीं, बहुत दिनों में मैंने देखा, लेकिन उस जमाने में वो, मैंने फोटो खींचा था, मैंने किसी को कहा था मेरी फोटो खींचो, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो कोटा टाइल लगाई हुई है, मेरा प्रतिबिंब नीचे दिख रहा था, इतनी क्लीन थी। और मैंने अपने फेसबुक पे डाल रखे कि जयपुर का ये रेलवे स्टेशन, मैंने फेसबुक पे डाल रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ये अपना आंगन साफ करने का मामला है, सब लोग अपना अपना आंगन साफ करेंगे तो एक दिन दीपावली अपने आप मनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर रुकते हैं। What do you think is the reason behind kids getting into relationship long before going to college in today's era, and how does or will such relationship affect their married life and our society as well? How much does co-education, the reason behind such means? Do you think parents are liable for this, or the atmosphere of today is such? Dono cheeze hai. एटमॉस्फेयर भी है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ढील दे रहे हैं, ये उसका कारण है। पेरेंट्स को थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स बहुत डरते हैं जी, बहुत डरते हैं बच्चों से कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो गलत है उसको गलत कहना सीखे। किसी दूसरे की बेटी से गलत काम करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, ये हमारे बच्चे को हमें बोलना होगा कि नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अवर कल्चर, ये बोलना होगा। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, इसके बीच की जो दीवार है वो बहुत थिन लाइन है, और कहाँ यहाँ से वहाँ चले जाते पता नहीं चलता। इसलिए बच्चों को सजग बनाए रखना, इसलिए तो संस्कारों की आवश्यकता है, और इसलिए हम लोग ये सारा गीता परिवार का काम खड़े किए हुए हैं। जब इस प्रकार की कहानियाँ बच्चों को बताते, हमने फिल्म्स बनाई हैं कई, हेमा फाउंडेशन हम लोगों को हेल्प करता है उसमें, लेकिन कंसेप्चुअली सारा गीता परिवार का ये काम है। स्कूलों में ये फिल्म्स हम लोग दिखाते हैं और इन सारे इश्यूज को टैकल करते हैं, और हम लोग बच्चों को अपनी धरातल पर रखने का काम करते हैं। लेकिन यदि बुनियाद, यदि नींव पक्की हो तो फिर चिंता करने का कारण नहीं रहता। यदि नींव पक्की है तो चिंता मत कीजिएगा, फिर उतना भरोसा बच्चों के ऊपर कीजिएगा कि मेरा बच्चा गलत राह पे नहीं चलेगा। ऐसा कभी भी समझ में आता है कि बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो खुल के सीधे उसके साथ अकेले बात करना, किसी और के माध्यम से सुनी हुई या कही हुई बात मत करना, सीधे उसके साथ बैठना और कूल डाउन, बड़ी शांति के साथ में उसके साथ सीधी सीधी बात कर लेना। दूसरों के माध्यम से ये बात मत करना, ना ही दूसरों के कहे पर भरोसा करना। आपका भरोसा अपने बच्चे के ऊपर होना चाहिए और उसके साथ सीधा संपर्क होना चाहिए। ये सीधा संपर्क बनाए रखने से ही बच्चे आपके बने रहेंगे, आप किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बी रिलैक्स्ड,
आपकी नींव यदि पक्की है, आपके संस्कार यदि अच्छे हैं, तो बच्चा गलत राह पे नहीं चलेगा, इसका भरोसा आपके मन में पक्का होना चाहिए। फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक प्रश्न और पूछना था पति प्रश्न के रूप में। आपने कहा मालपानी साहब कि 12th क्लास तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन आज ये अक्सर देखने में आ रहा है कि स्कूलों की कनेक्टिविटी सीधी मोबाइल पे है, जिसमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, उनके होमवर्क्स हैं या और ऐसा है जानकारी है। स्कूल का ऐप बनता है और वो पेरेंट्स उसको डाउनलोड करते हैं, होमवर्क वगैरह उनके मोबाइल पर भेज उस ऐप पर भेज दिया जाता है। वो ऐप देखने के लिए बच्चों को मोबाइल देने की आवश्यकता है तो माता पिता उसको घर आने पर मोबाइल दे सकते हैं। उसको अपना मोबाइल देना गड़बड़ है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसको देना है, वो बाहर जा रहा है, क्लास में जा रहा है, तो अपने साथ में जरूर ले जाए, क्योंकि कहीं से गड़बड़ है तो फोन कर सके, लेकिन आने पर ले ले, ये मैं कह रहा हूँ। उसकी उसके फायदे भी है, लेकिन 12वीं तक उसकी उसका नुकसान ज़्यादा है। और इसलिए स्कूलों का जो कम्युनिकेशन है वो पेरेंटल ऐप पे चलता है, उसके लिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई है तो अब रुकना चाहिए, मैं बाद में रुक जाऊंगा। एक बात और, जिन लोगों को गीता परिवार से और स्कूल की एक्टिविटीज़ में जुड़ना है वो लोग यहीं रुके रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। और एक हाथ दो प्रश्न कुछ रहे तो वो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। हेलो, बाद में करेंगे। अब एक सेकेंड सर, एक प्रश्न। हाँ जी सर, मैं अपने बच्चे को भी साथ लाई हूँ। मेरा बच्चा मल्टी टैलेंटेड है, इसको म्यूजिक में शौक है लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है, और वही आपने जैसे कहा था, बड़ी सिस्टर है, सेम स्कूल में है, वो हमेशा ए ग्रेड लाती है। अभी क्या आया, जैसे आपने तो कहा, मैंने ऐसा शिक्षक उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं इसको मैदान में जाने दो और करने दो, इसकी टीचर्स क्या कहती है, मैडम इसका क्रिकेट बंद कर दीजिए आप। मैं आजकल पेरेंट्स मीटिंग में जाना बंद कर दिया मैंने, कि वो ये बोलती है कि इसका बंद कर दीजिए आप, क्रिकेट बंद कर दीजिए। अब उस समय हम क्या करें बताओ। द रीजन बिहाइंड हर टॉक यू नीड टू अंडरस्टैंड, टीचर ये क्यों कह रही है। आप टीचर के साथ में जब अकेले हैं ना टीचर, तब बात कीजिएगा कि ऐसे वो क्यों कह रही है। कोई भी टीचर अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, ये बात पक्की होती है। हो सकता है कि टीचर के मन में ये भावना हो कि इसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना, उसको रोक लगाने से ये जो आप करवाना चाहते हैं वो करेगा। ये सद्भावना उस टीचर के बारे में होगी। मैं एक बात आपको सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाला है, वहाँ के स्कूल में और वहाँ के टीचर्स में श्रद्धया परयोपेता स्तेमे युक्त तमो मतः, श्रद्धा वो टीचर के अंदर और वो स्कूल के अंदर पूरी श्रद्धा हो। और फिर यदि ऐसा कोई पॉइंट है आपका तो गो एंड रेज इट, नॉट इन द पेरेंट्स मीट, गो एंड टॉक टू हर पर्सनली, टेल हर योर कंसर्न, शी इज ऑल्सो टीचर, शी नोज दीज थिंग्स दैट हैव बीन टॉट टू हर इन हर बी एड कोर्स, सो शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू विल बी एबल टू टेक आउट सम सोल्यूशन आउट ऑफ इट। बट टीचर्स की और पेरेंट्स की एक टीम है, और हम स्कूल का कोई भी और टीचर का, किसी भी टीचर का इस प्रकार से बच्चों के सामने कम से कम चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। संजय जी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और आप स्टेज से उतरे उससे पहले मैं एक शब्द कहूँगा, सैल्यूट टू यू, यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। और यहाँ बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसमें जो आपको बहुत प्यार से लोगों ने लिखे हैं और बहुत बहुत प्यार से लिखे हैं, तो और दो मिनट दिनेश जी भाई साहब इसको कंप्लीट करेंगे। हम काफ़ी कृतज्ञ हैं आपकी सरलता के। सिर्फ एक मैसेज से बात हुई थी और आपने एक बार हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। रोज़ हम आईना देखते हैं, रोज़ हम आईना देखते हैं अपने स्वयं को संवारने के लिए। आज जो डॉक्टर मालपानी जी ने आईना दिखाया है वो बच्चों को निखारने के लिए दिखाया है। आईना देखेंगे हम खुद अपना, उससे बच्चे निखरेंगे। तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपको शायद जानकारी है, सन 1925 के अंदर माहेश्वरी कुछ बुजुर्गों ने नाइट पाठशाला चालू करी थी विद्याधर के रास्ते में, कुछ लो जली थी, आज वो अखंड ज्योति बन चुकी है, इतने सारे स्कूल्स मौजूद हैं और समाज और देश की इतनी बड़ी सेवा की जा रही है। तो हम कृतज्ञ हमारे बुजुर्गों के जिन्होंने ऐसा हमको आज ये दिन आया कि हम आज शिक्षा से संस्कार की बात कर रहे हैं। और अंत में
दो तीन जानकारी और देनी थी कि समाज के इस नए अभियान के तहत योगा का प्रोग्राम भी चालू हो गया है 2 स्कूलों में। हम आप सब से निवेदन करते हैं इसका भरपूर लाभ उठाएं, मन शरीर आत्मा तीनों का इसमें डेवलपमेंट होगा। अब मैं मूवमेंटों के लिए निवेदन करता हूँ, हमारे सत्संस्कार समिति के सदस्य हैं भाई जाजू जी और नरेंद्र कचोलिया जी, आप जितने भी सदस्य हैं प्लीज़ कम, एक ग्रुप फोटो मालपनी साहब के साथ हो जाएगा, प्लीज़ वेलकम, यस प्लीज़ कम। 2 मिनट और मैं फिर लास्ट में गोपाल जी मालपनी से निवेदन करूँगा कि अपने थैंक्स नोट के लिए प्लीज़ तैयार रहें, आइए। हमारे साथी जिन्होंने भरपूर मेहनत करी, अनिल जी भूतड़ा, मोहित माहेश्वरी, अंकुर चितलांगिया, केशव लखोटिया और प्रीति भाभी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। जो भी सदस्य हैं जिन्होंने बहुत काम करते हैं पीछे से नेपथ्य में, प्लीज़ वेलकम। हाँ निर्मला जी मारू प्लीज़। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कोटा परिवार से, गीता परिवार से बता रहे हो, कोटा के सभी सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे छोटे से प्रयास आपने। और प्लीज़ गोपाल जी मानदा ना पधारे प्लीज़। हाँ गोविंद जी मानदाना साहब प्लीज़ पधारिए जी। प्रदीप सर प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज आइए।